नमस्कार सभी लोगों को नमस्कार। प्लीज ओपन योर विंडोज। हेलो एवरीवन। नमस्ते। हेलो नमस्ते। नमस्ते। हेलो नमस्ते मैम। नमस्ते प्रियंका जी। हेलो श्रुति जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। प्लीज ऑल ऑफ यू। हेलो श्रुति जी, ओपन योर विंडोज। हेलो अनामिका जी, नमस्कार। कैसे हैं? गुड टू सी न्यू फेसेस। प्लीज नमस्कार सचिन जी। हेलो मैम। हाय मैम। हेलो, हाउ आर यू? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड गुड। सो चलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं और प्लीज ओपन योर विंडो सो दैट वी कैन कनेक्ट। और आज बहुत ही सीक्रेट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। यूं तो हमारे सभी टॉपिक बहुत ही सीक्रेट होते हैं और अगर साइंसेज में सभी टॉपिक बहुत सीक्रेट है, राइट। तो आज हमारे साथ कुछ जाने पहचाने चेहरे भी हैं और कुछ नए चेहरे भी हैं, तो हम सबसे एक बार इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। लेट अस स्टार्ट विद प्रियंका जी। नमस्कार प्रियंका जी। प्रियंका जी हमारी स्टूडेंट है एंड शी इज डूइंग मेनी मेनी कोर्सेज एंड शी इज अ वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर। शी इज प्रैक्टिसिंग एंड शी इज इन एस्ट्रोसेज, राइट? Yes. So Astro talk. Okay. Astro says दोनों both. Wonderful, wonderful प्रियंका जी, welcome, welcome to the class. वेबिनार है आज ये। आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एक नया टॉपिक है मास्टर मर्लिन, राइट? तो मैं अब इसी के बारे में पूछने वाली थी कि मास्टर मर्लिन में क्या है, अभी जस्ट मैं पूछने वाली थी। अच्छा, तो आप मुझे बताइए, आपने मास्टर मर्लिन का नाम सुनकर आपको क्या लगा? मतलब मास्टर मर्लिन एज मुझे एंजल की तरह वो लग रहे हैं। ओके ओके, वंडरफुल, ठीक है, परफेक्ट। मतलब मैं फर्स्ट टाइम नेम पूछी, मैं फर्स्ट टाइम में ये नेम मुझे आपके ये जो कोर्स के थ्रू पता चला मास्टर मर्लिन ये है कौन, तो मुझे एज एंजल की तरह वो समझ में आ रहा है। ऐसे मुझे कुछ नहीं ऐसे पता, ही कोई किसी का नाम नहीं सुनता। हम लोग 100 लाखों नाम रोज सुनते हैं, लेकिन सुनते हैं एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं, लेकिन जब कोई चीज हमें पकड़ना चाहती है ना तो वो हमारे अंदर वो नाम इम्बाइब कर देती है और हमें पकड़ लेती है कि कौन है, हमें जानना है। तो ये आपका चॉइस नहीं है कि आप इस क्लास में आए हैं, ये चॉइस उनका है जिनकी क्लास है कि आप इस वेबिनार में आए हैं, राइट? ईच वन ऑफ यू हमेशा देखिए, बहुत सारे हमारे आसपास सोल्स होते हैं, आपको मालूम है। ऑल ऑफ यू आर इन ऑकल्ट साइंसेस, है ना? और चलो पहले ले लेते हैं सबसे इंट्रोडक्शन, तो पता चलेगा कौन क्या क्या कर रहा है। तो इधर श्रुति जी आपसे स्टार्ट करते हैं। नमस्कार श्रुति जी, बताइए आप क्या करते हैं और मास्टर मर्लिन के नाम से आपको क्या लगता है, आप वेबिनार क्यों ले रहे हैं? I am connected to Master Merlin because Master Merlin is a magician and I have been connected to Master Merlin and I have been praying to Master Merlin. Otherwise also I have the symbol of Master Merlin as well. So I was always inclined towards it. So I'm an occult, so I always wanted to learn about Master Merlin more. Perfect. आप क्या क्या करते हैं? हाँ, मैं पहले I was working, but like since past 3 years I'm not working, so I am now learning occult. Okay. Yeah. Wonderful, wonderful. और आप Master Merlin को पहले से ही जानते, तो it's a wonderful, miraculous journey. जैसे आपने बोला, he is a magician. Yes. वो मेडिशियन है और मैं बताऊंगी क्यों मेडिशियन है और आपको समझ आएगा कि क्यों मेडिशियन है, ठीक है? तो ये पॉइंट एक सब लोग नोट कर लो, मैं भी नोट कर ही लेती हूँ कि ये मेडिशियन का पार्ट तो मुझे बताने क्यों वो मेडिशियन है। तो श्रुति जी आपको क्यों लगता है वो मेडिशियन कहलाते हैं? मेडिशियन लाइक सिंस ओल्ड स्टडीज जो मैंने उनकी जो आई हैव सीन हिज फोटोज, सो ही इज लाइक आई consider him as a kind of a grandfather to me. I always okay, say. Okay, हाँ, wonderful. Yes, पता है आपको, आप सब लोगों की बात पता होनी चाहिए कि मास्टर मर्लिन बहुत सादे और बहुत डाउन टू अर्थ कहते हैं ना, वो एक सोल है। और मास्टर मर्लिन जैसे बहुत सिंपल है, जैसे इन्होंने बोला ग्रैंडफादर, तो ऑफ कोर्स ही इज अ फादर फिगर। और जैसे हम तो बोलते हैं मास्टर, व्हाई वी कॉल हिम अ मास्टर, बिकॉज ही हैज डन द मास्टरी। अब व्हाट इज द मास्टरी, इसके बारे में भी बताऊंगी, व्हाट एक्चुअली यू मीन बाय मास्टरी। तो उससे पहले मुझसे पहले आप लोग बताएंगे कि मास्टरी का मतलब होता क्या है। बताइए श्रुति जी, अभी आप ही से बात करेंगे जी। Mastery मतलब he has done everything in his control. He has everything in his control. He has that wisdom as well as patience and persistence to have those things in his control. So he has worked on. Yes, words में लिख कर रखी हूँ. श्रुति जी ने बोला, स्पेशली श्रुति जी का मैं लिख रही हूँ, लिख कर रख रही हूँ. श्रुति जी ने बोला कि he has controlled. क्या? What has he controlled? Like control on all the things. Like हम जैसे ना हमारे we don't have those controls and our sometimes we lack patience, sometimes we lack wisdom, sometimes we lack. So he has mastered all those things and created that magic and उन्होंने अपनी चीजों पे कंट्रोल करके वो मैजिक क्रिएट किया है उस चीज से. यस यस परफेक्ट परफेक्ट. तो मैं वैसे अभी नोट कर रही हूँ. सबसे अभी हम जानते हैं आप सब लोगों को क्या लगता है, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे, है ना, क्या सबने किस किसने सही बोला. चलिए अनामिका जी, नमस्कार अनामिका जी. नमस्ते मैम, वेलकम टू द वेबिनार मैम. और बताइए थोड़ा सा अपना डिस्टेंस शेयर कीजिए अबाउट मास्टर मर्लिन. यस मैम, मैं भी ऑक्यूल्ट साइंस के कई कोर्सेज कर रही हूँ, इनर वर्क वगैरह अपना कर रही हूँ. वंडरफुल. और मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी थी ये जानने की कि मास्टर मर्लिन कौन है, बट आपने जब अभी पूछा सो मेरे माइंड में जो श्रुति जी ने जैसे बोला कि लाइक अ ग्रैंडफादर, तो मुझे भी ऐसे ही फील हुआ कि जैसे हमारे एंसेस्टर हैं, फादर फिगर और टेकिंग केयर एंड कॉजी. यस यस, प्रोटेक्टिव. वो बच्चों को जब जरूरत पड़ती है ना तो ही इज ऑलवेज देयर. परफेक्ट, वंडरफुल. तो मुझे ऐसे फील हुआ और मुझे अभी गूज बम्स भी हो रहे हैं आपको बोलते हुए. देखिए जो हम मास्टर्स हैं या फिर हम भगवान से, गॉड से, एंटिटी से, सोल से, हम किसी से भी कनेक्ट होते हैं, अगर उनके साथ किसी भी इमोशन से कनेक्ट होंगे ना तो कनेक्शन का सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है. एंड देन द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी स्टार्ट्स. ठीक है, ये रूल है, ये थंब रूल है. ठीक है, तो वेरी नाइस. तो अनामिका जी, अच्छा लगता है कि उन्होंने अपने ऊपर बहुत काम किया है. तो वो जैसे होता है ना, जैसे कि हम साईं बाबा को देखते कि उन्होंने टच भी कर दिया तो वो चीज हील हो जाती है. सो मुझे ऐसा लगता है कि अनामिका जी का मुझे ये सेंटेंस बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने अपने ऊपर बहुत काम किया है. ही हैज वर्क्ड अ लॉट ऑन हिमसेल्फ. राइट अनामिका जी? यस. ओके, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे और आप लोगों को क्लैरिटी होगी एक्चुअली है क्या. चलो, और कुछ अनामिका जी आप शेयर करना चाहेंगे? मैम बस यही, और बस ऐसा ही लगता है कि जैसे शायद हम इनको इन्वोक करेंगे तो वो फटाफट अपनी ब्लेसिंग्स देने हमारे लिए ऑलवेज इज देयर. यस, परफेक्ट परफेक्ट, एग्जैक्टली ऐसा ही है. वंडरफुल, थैंक यू सो मच अनामिका जी. तुलसीदास जी सर, हेलो, हाउ आर यू तुलसीदास जी? आर यू अवेलेबल विद अस? आर यू देयर विद अस? कैन यू हियर अस तुलसीदास जी? I think he's involved in some work, so we can go next to Rashmi ji. Rashmi ji, namaskar Rashmi ji. Namaste ma'am. Namaste. Thank you so much. मैंने पहली बार आपकी ये वेबिनार अटेंड किया है और मैं गुरुजी ज्ञान ऐप में बहुत सारी क्लासेस में मैंने एनरोल भी किया है. और मास्टर मर्लिन मेरे ख्याल से 1.5 years बैक मैंने अपनी एक फ्रेंड से आकाशिक रीडिंग करवाई थी. तो उन्होंने जो देखा था, मेरे बहुत पुराने एंसेस्टर्स, तो उन्होंने कहा कि रश्मि वो मास्टर मर्लिन की तरह दिख रहे हैं. सो वो फर्स्ट एनकाउंटर मेरा उनका था जो मेरे कानों ने सुना कि है मास्टर मर्लिन है कोई. और फिर उसके बाद आई क्लासेस, बट वो पता नहीं शायद मेरा कुछ रहा नहीं होगा, टाइम सही नहीं रहा होगा कि मैं उनको समझ सकूं. और आज अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले देखा कि वेबिनार स्टार्ट हो गई है तो मैंने ज्वाइन किया. तो मुझे कुछ भी नहीं पता है, मैं ब्लैंक हूँ टोटली मास्टर मर्लिन को लेके. नो इश्यूज एंड वंडरफुल. योर कनेक्शन विद मास्टर मर्लिन इज क्या कहते हैं कि इट्स वेरी स्ट्रांग बिकॉज यू हैव अटैच्ड योर इमोशंस विद यू नो वन ऑफ योर एंसेस्टर्स, सो इट इज ऑलरेडी वेरी स्ट्रांग एंड द एनर्जी हैज स्टार्टेड फ्लोइंग. यस, थैंक यू. वो हो चुका है. एंड जब मास्टर मर्लिन का नाम ही सिर्फ हमारी लाइफ में होता है ना, बेसिकली द एनर्जी इज देयर विद अस. ओके, है ना. अभी सबसे बात करके फिर बाद आपको मैं बताऊंगी होता क्या है, तो यू मे एबल टू रिलेट योरसेल्फ विद मास्टर मर्लिन और द एनर्जीज ऑफ असेंडेड मास्टर्स. देन यस मैम, पता है वो है कुछ, शायद उन्होंने कहा कि वो मास्टर मर्लिन की तरह दिखते हैं और वो चाहते हैं कि तुम इस लाइन में जाओ, और तब तुम पीछे नहीं जा सकती हो, चाहोगी तो भी तुम मतलब ये चीजें नहीं छोड़ सकती हो। सो वो कुछ था, क्लिक हुआ, बट 1.5 years टोटली ब्लैंक गया, मैं उनसे कनेक्ट नहीं हो पाई। बट थैंक यू सो मच। टाइम देखिए, टाइम तो लीनियरिटी है जो हम उसको बोलते हैं, बट टाइम, देयर एग्जिस्ट नो टाइम इन यूनिवर्स। टाइम के बिकॉज वी हैव ऑब्जेक्ट्स व्हिच डिफाइन टाइम, बट देयर इज नो पैरामीटर लाइक टाइम इन द यूनिवर्स। यू कैन गो एनीवेयर अगर हम डिफरेंट डायमेंशंस में जाएंगे, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, मास्टर्स, एनर्जीज, ब्लेसिंग्स, it is there with us, we only have to acknowledge it. Yes ma'am, right? Yeah, thank you so much. Yeah, Rashmi, thank you. So up next, Sanjeevani sir, please open your window and please connect with us. What is your good name, sir? Sir, you are muted. Yeah, it's a Sanjeevani. Okay, namaskar. Sanjeevani, namaskar sir, aapka naam Sanjeevani hai sir? जी नहीं, मैं संजीवनी रेकी को रिप्रेजेंट करता हूँ। अच्छा, ओके ओके, गुड सर। बट योर गुड नेम सर? गुड एंड बैड इज नाउ संजीवनी। ओके, चलिए, वंडरफुल, ये भी बहुत अच्छी बात है। मेरे लिए बहुत अजीब बात है यार कि सबका नाम मरने के बाद सब लेते हैं कि वो अच्छे थे, वो अच्छे थे। हम जिंदगी में इतने अच्छे हैं, हमें लोग नहीं पूछते। सर, ये धारा आप ये चेंज करेंगे? हर कोई अपना बीड़ा उठाते हैं चेंज करने का। धारा, एक जो धारा होती है, एक फ्लो होता है। जैसे ये एक पैटर्न है, आपने इसको आइडेंटिफाई किया, राइट, कि मरने के बाद ही नाम क्यों लेते हैं। तो इस पैटर्न को जिसने आइडेंटिफाई किया सबसे पहले वहीं से चेंज होना शुरू हो जाता है। नहीं, चेंज मैंने करना शुरू कर दिया है, यही मैं बोल रही हूँ, आप ये चेंज कर रहे हैं सर। या रीजन ये है कि कृष्ण जी का एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जैक्टली सेम चीजें मैं कर रहा हूँ। आप किसी भी ग्रुप में देखें, कहीं भी देखें, मैं एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्कूल चलाता हूँ। ओके। 1 जनवरी 1980 से मैं बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का काम कर रहा हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल, वेरी वंडरफुल सर। ये तो मतलब आप ऐसा काम कर रहे हैं जो रिक्वायर्ड है इस टाइम में। नहीं, वो उसकी सजा बहुत भयंकर मिलती है आज के समय में, क्योंकि बाबा बना दिया जाता है। और नक्शल में ये है कि मैं एडवर्टाइजिंग का काम करता हूँ, कोर्सेज डिजाइन करता हूँ, एजुकेशनल कोर्सेज बनाता हूँ, और किसी को कैश नहीं देता हूँ, उसको एजुकेट करता हूँ। मेरा कंप्यूटर हिंदी फॉन्ट अपना है, मैं कंप्यूटर हिंदी टाइपिंग सिखाता हूँ। उस टाइपिंग की एक खास बात है, अगर आप हिंदी के बारे में थोड़ा सा जानकारी रखें तो आपको पता होगा कि जो फॉन्ट होते हैं इंग्लिश में, ए की जगह 99.9% ए की जगह ए ही होता है कीबोर्ड में, बट हिंदी में 80% क की जगह पे क नहीं होगा, क्योंकि ये सबके अपने अपने बनाए हुए हैं। और मैंने 98 में बनवाया था। गूगल हिंदी फॉन्ट 2002 में आया था। स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात जहां तक हम करें, उम्र छोटी थी तब भी हंसते थे, आज बड़ी हो गई है तब भी हंसते हैं, क्योंकि जो चीजें जब तक नहीं पता तब तक चमत्कार हैं। आज 25 साल बाद शोले की आज निकल रहा है कि जी उसकी हर सीन कॉपी किया हुआ था, उससे पहले आज हम लीजेंड समझते थे। तो वही बातें हैं कि जिन लोगों को आज हम कहते हैं, मैंने मेरे फादर की एक बुक लिखी हुई है, मुहावरे और कहावतें। मैंने उसका एक पेज फेसबुक पे शेयर किया था। तो लोगों ने कहा, सॉरी सॉरी सर, एक्चुअली आपकी बातें सुनकर ना मुझे आप सब लोगों को ये बताने का मन कर रहा है, बिकॉज पीपल लाइक हिम, दे आर एक्चुअली इन फ्यूचर, दे आर द असेंडेड मास्टर्स। जो बीड़ा इन्होंने उठाया है लोगों की हेल्प करने का, इन एनी वे, अकॉर्डिंग टू हिज टॉक्स आई कैन फाइंड आउट, ये अपने रास्ते ढूंढते लोगों की हेल्प करने के लिए, बिकॉज इनकी प्रकृति ये है, राइट? बिल्कुल। मास्टर मर्लिन की क्लास में सर क्यों है आज, मैं समझ सकती हूँ, बिकॉज उन दोनों की एनर्जी एक मिल रही है। जो काम वो कर रहे हैं वही काम सर कर रहे हैं, दोनों का लेवल दूसरा हो सकता है, राइट, बट यू आर ऑन द सेम पाथ सर। एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। यस, सो थैंक यू सो मच सर। मैं लोगों को ढूंढता हूँ और उनको काम देता हूँ। मेरे पास मैंने बताया कि मैं 44 इयर्स से ये काम कर रहा हूँ। नाइस नाइस, वेरी नाइस सर, क्योंकि अभी 44,000 इयर्स तक मुझे मालूम है आपकी प्रकृति यही है और डिफरेंट डिफरेंट रूप में आप यही काम करेंगे बिकॉज ascended masters are made to do so. So you are one of them. Maybe ascended masters are doing working with you. I know it क्योंकि ऐसे ही होता है. So thank you so much to be here with us, sir. Thank you very much. Thank you very much. Yeah. So next सिमरन जी, आपसे बात नहीं हुई ना सिमरन जी? सिमरन जी, can we have you with us? चलो कोई बात नहीं, जिसकी विंडोज ओपन है मुनीर से बात करते हैं। जानवी जी नमस्कार, thank you for coming into the webinar. So, Janvi ji, good evening मैम, गुड इवनिंग। सो प्लीज शेयर योर व्यूज। बहुत खुशी हुआ संजीवनी सर से उनका बात सुन के मैम, रियली इतना मुझे बहुत खुशी हो रहा है, अंदर से वेरी ग्रेटफुल एंड रेस्पेक्ट आ रहा है उनके बारे में। तो आपने सही बोला, या इज कनेक्टेड विद असेंडेड मास्टर एनर्जी मैम। तो मास्टर मर्लिन के बारे में क्या बोलना चाहिए, एक एक हर वक्त एक मिनट भी वो मैजिक दिखाते हैं। ऑलरेडी कनेक्टेड हूँ मैं 3 साल पहले से। अच्छा, अरे वाह। आई डोंट नो हाउ, बिकॉज एनर्जी मतलब सब कुछ एनर्जी से कनेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिक मैम, इस फील्ड में, अकल्ट फील्ड में। सो इज जस्ट लाइक माई वन ऑफ माई गुरु ओनली, ऑलवेज इज होल्डिंग माई हैंड एंड शोइंग मी सो मच डिवाइन गाइडेंस इज गिविंग मी। बिल्कुल ठीक बोला आपने, एक्चुअली मास्टर मर्लिन यही करते हैं। तो थैंक यू सो मच। हमारे साथ रश्मि जी आपसे बात हो गई थी ना? हाँ, तो अभी जिनकी विंडोज ओपन है हम उन्हीं से बात कर सकते हैं, राइट? तो आपके बात करना चाहते हैं तो प्लीज ओपन योर विंडो एंड यू कैन टॉक टू अस अबाउट मास्टर मर्लिन। पुष्पा जी नमस्कार, शिखा जी नमस्कार। जी पुष्पा जी बताइए। नमस्कार, वेलकम टू द वेबिनार मैम। तो व्हाट डू यू नो अबाउट मास्टर मर्लिन? फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग दिस मास्टर्स नेम। All right. No issues. So we will discuss a lot and you'll know a lot now. So Shikha ji, आपके ऊपर आते हैं। Master Merlin, it was a grand magician, I know. Okay. He has a lot of powers and everything, and he works well with those people who are entering into spirituality and all that. He gives them a boost and all that. Yes. उनके बहुत सारे सीरियल्स वो सब मैंने देखे हैं, एंड हिज एनिमल आउल इज देयर। सो उनके कैंडल स्पेल्स भी करते हैं मतलब, बट थोड़ा और मुझे उनके बारे में जानना है। कैंडल स्पेल्स करते हैं आप? 1-2 मैम बार किए हैं उनके भी, मर्लिन के मैंने देखे हैं एंड ऑल दैट। तो एंड उनके कुछ नंबर्स भी होते हैं एंड सीरियल्स भी होते हैं। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया है बट थोड़ा आउट हो गई, तो मैं चाहती थी फिर से और थोड़ा डिटेल कोर्स में। मैंने जल्दी में किया था एक, बट और आई लाइक मतलब मैं कनेक्शन फील करती। मैंने एंजल कोर्स भी किया है। तो मुझे लगता है कि आई वांट टू वर्क विद हिम आल्सो। वंडरफुल। तो आज हमारे साथ बहुत सारे गणमान्य लोग हैं जो ऑलरेडी मास्टर मर्लिन के साथ कनेक्टेड हैं एंड दे नो सो मच अबाउट मास्टर मर्लिन। तो बहुत मजा आएगा डिस्कस करने में, बिकॉज जहाँ नॉलेज होती है, जहाँ मिलकर डिस्कशन होता है, तो वहाँ पे तो मजा ही आता है, राइट? तो 91998 नमस्कार मैम, आपका नाम मुझे नहीं मालूम। मैं श्रुति हूँ, मैं इधर से लैपटॉप से ज्वाइन की हूँ। ओके, चलिए ठीक है श्रुति जी, आपसे बात हो गई। चलिए अब मैं अपना शुरू करती हूँ थोड़ा। देखिए श्रुति जी ने बोला था कि यस कंट्रोल ऑन ऑल द थिंग्स, है ना, कंट्रोल। तो अगर हम शुरू से बात करते हैं मास्टर मर्लिन की, ठीक है? मैंने कुछ पॉइंट्स लिख के रखे, तो क्या होगा कोई पॉइंट भूल ना जाओ आपके साथ डिस्कस करने के लिए। देखो सबसे पहले हम आते हैं उनके नाम पर, मास्टर मर्लिन। एक तो वो असेंडेड मास्टर्स हैं। आपको मालूम है असेंडेड मास्टर्स कौन होते हैं? आप लोगों को मालूम ही होगा। दोज मास्टर्स हु हैव वर्क्ड इन वर्ल्ड फिजिकली, वो जन्मे थे, उन्होंने वो रहे हैं, उन्होंने अपनी लाइफ टाइम बिताई है पूरी, एंड आफ्टर दैट उनकी मृत्यु नहीं हुई। दे हैव वैनिश्ड, पंच तत्वों में उनका शरीर वैनिश होकर गायब हो गए और उनकी जो सोल है it is always there. They have been directed by the supreme, whoever there, by the supreme god, ki you have to help people on earth. और खाली अर्थ में ही नहीं, बहुत सारे हमारे डायमेंशन होते हैं। देखिए जब तक हमने किसी चीज को विटनेस नहीं किया होता ना, हम उसकी सच्चाई को मानते नहीं है। और मैजिक यही है मास्टर मर्लिन मेडिसिन क्यों कहलाती थी? थोड़ी सी मैं हल्की सी हिस्ट्री बताती हूँ। एक्चुअली मास्टर मर्लिन का दौर कब से आया? इट इज अराउंड मिडल एजेस लाइक 12th सेंचुरी, ठीक है, जब किंग आर्थर बर्थ लेने वाले थे। किंग आर्थर ने यूनाइटेड किंगडम के एक छोटे से गांव में उसका नाम था टिंटेगल नाम के गांव में। टिंटेगल कैसल था और बहुत सारा ना रफ एरिया था, एकदम रफ एरिया था, और उसके अंदर दूर पहाड़ी के ऊपर जाकर उनका कैसल था। उस कैसल में किंग आर्थर जन्मे थे और वहां से मैजिक की शुरुआत हुई। उससे पहले मास्टर मर्लिन ऑलरेडी जन्म ले चुके थे, वो काफी एज के थे। लेकिन व्हाट इज मैजिक? एक्चुअली जो मास्टर मर्लिन थे वो एक साइंटिस्ट थे उस दौर के, ऑकल्टिस्ट थे उस दौर के, मैथमेटिशियन थे उस दौर के। इन कॉम्बिनेशन ही वॉज अ जेंटलमैन विद हाईएस्ट विजडम। जब प्लेन नहीं बना था तो वो क्या कहते हैं, कौन सा था राम जी जिसपे आए थे? पुष्पक विमान। मैजिक लगता था ना, बस वही चीज है। मास्टर मर्लिन वाज अ मैन विद हाईएस्ट विजडम। उनको एलिमेंट्स के साथ खेलना आता था। ही न्यू कि कैसे एलिमेंट्स को हम कैसे यूज करेंगे तो क्या होगा। उस वक्त उन लोगों के लिए वो मैजिक था, बिकॉज उनकी जो विजडम थी बहुत एडवांस थी, और उनकी विजडम आज भी एडवांस है, जो हमसे भी एडवांस है। हम अभी तक उनके विजडम तक आ ही नहीं पाए। He was one of the men with the highest wisdom. He could play with, he could know the different elements and how to play with those elements, how to play with the energies available on the earth, or with the gravity, with the earth, with the planets. उनके पास बहुत सारी wisdom थी, जो एक इंसान को जब इंसान शुरू में बना था with the purest soul, उसके पास ये सारी wisdom थी। But with the course of time and बहुत सारी चीजें हमने छोड़ते गए, चेंज होती चली गई, वो विजडम सब चीज हमारे पास खत्म हो गई। उसका एग्जाम्पल हमारे पास है, बहुत सारी सभ्यताएं खत्म हुई है, वी नो अबाउट इट। एटलांटियंस, लेमोरियंस, है ना, सुमेरियंस, मायंस, ये सारी सभ्यताओं के बारे में आपने सुना होगा ना, किसी ना किसी एक के बारे में। तो उसके बाद इजिप्शियन, ये सारे जो लोग थे उनके पास ऑलरेडी हमसे बहुत ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी थी। एंड वी आर वर्किंग विद द 5 तत्वास, दे यूज्ड टू वर्क विद द 36 तत्वास। With the help of those 36 tattvas, they were able to manipulate the energies. They knew about it. और because हमें नहीं मालूम, because वो लोग उस चीज से करते हैं, तो हमें वो मैजिक लगता है। पहले हम पुराणों में, वेदों में पढ़ते हैं कि भगवान अंतर ध्यान हो जाते थे, है ना। अब ये जो वर्चुअल रियलिटी है, what is that? Yes. Slowly we are coming to that. तो यही है मैजिक। लेकिन मैजिक, वर्चुअल रियलिटी तो बहुत छोटा पार्ट है उस चीज का। There is so much beyond, and because we are only talking about 3-dimensional space, but we know how to work with 4-dimensional, 5-dimensional, up to many 12 dimensions, जो last layers of dimensions होती है, you know, multi-dimensional. He knows how to work with the parallel world. He knows how to work with, you know, parallelly with lakhs and crores and millions of people एक साथ। Because क्या है, आपने श्री कृष्ण का सुना था ना कि वो अपनी 16,000 रानियों के साथ एक साथ होते थे। Multi-dimensional existence, magician, right? वही सारी टेक्निक्स है। But क्या होता है कि उनको मालूम है, हमें नहीं मालूम, तो हमारे लिए मैजिक है। अब हम क्या करते हैं, जो चीज हमें नहीं आती, what we do, we actually take help of these energies, and they are so benevolent. Basically, देखिए, अगर हम spiritual world में जाएं, we all are occultists, right? If we talk about spiritual world, there is no duality. We all are one, and we are the fragments of one single existence. We are the fragments, है ना। हम बहुत सारी चीजें हम multiplied version of one single cell है, ठीक है। तो वो जो एक सिंगल कॉन्शियसनेस है ना, वो भी अपने आप को मल्टीप्लाई करना जानते हैं इन डिफरेंट डायमेंशंस, टू एज मेनी फॉर्म्स एज दे कैन टेक। जो 36 तत्व हैं उनको वो सिंगल, दे कैन वर्क विद एयर, सिर्फ एयर के साथ, या फिर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ 36 तत्व एक साथ। सोचो, दिस इज द मैजिक, है ना, कितना ग्रेट। See, everything is before our eyes. We only need to, you know, look at it with our wisdom. जितनी भी हमारे पास है और हम सीखते हैं, and we always crave for the for more wisdom every time, right? तो उनको अल्केमिस्ट पता है ना, अल्केमिस्ट कहते हैं मास्टर मर्लिन को. वी कॉल हिम अल्केमिस्ट. व्हाई? क्योंकि वो 36 तत्वास के साथ ही कैन फॉर्मुलेट एंड ही कैन डू मेनी थिंग्स. बिकॉज अल्केमिस्ट कौन होते हैं? दे कैन वर्क विद एलिमेंट्स, दे कैन कंट्रोल एलिमेंट्स. अब किसने कहा था कंट्रोलिंग के लिए? श्रुति जी ने कहा था ना, ही कैन कंट्रोल, ही हैज द कंट्रोल ओवर थिंग्स. ये है कंट्रोल. श्रुति जी समझ आया? ही नो हाउ टू वर्क विद डिफरेंट एलिमेंट्स. और जो हमारे साइंटिस्ट ट्राइव कर रहे हैं नाउ, देखिए अब मास्टर मर्लिन के साथ हम काम कैसे करते हैं. सिंपल सा है, हम फिजिकल फॉर्म में तो उनके साथ काम नहीं कर सकते, बिकॉज जो एनर्जी जैसी होती है हमें अपनी वाइब्रेशन वहां तक बढ़ानी पड़ती है और हमारी उसी एनर्जी को कम्युनिकेट करना पड़ता है. उस एनर्जी जैसे भगवान से हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं? श्रद्धा से. श्रद्धा क्या है? इट इज अवर स्पिरिचुअल एनर्जी विच इज आवर एनर्जी वाइब्रेटिंग ऑन स्पिरिचुअल लेवल. सो दैट स्पिरिचुअल लेवल एनर्जी इज कम्युनिकेटिंग विद द अदर स्पिरिचुअल एनर्जी, राइट? हम जो मुंह से बोलते हैं दैट डजंट गोस टू गॉड, बट कहते हैं ना भावना जरूर जाती है. व्हाई? बिकॉज दैट टाइम वी आर वाइब्रेटिंग ऑन दैट लेवल. एंड हाउ कैन वी कनेक्ट विद मास्टर मर्लिन? सी, हमने आज अगर मुझे भी मालूम है मास्टर मर्लिन के बारे में तो मुझे भी किसी से पता ही चला होगा, मुझे भी सपने में आए होंगे, राइट? मुझे भी उन्होंने बहुत सारे लाइक साइंस दिए कि आई एम देयर. उन्होंने मुझे अपने साइंस एक साथ एक दिन में इतने सारे दिखा दिए, इतने सारे दिखा दिए. मुझे लगा ये क्या है, मुझे पता ही नहीं था ये मास्टर मर्लिन के साइन है. और बार बार मेरी आंखों के सामने आते गए आते गए आते गए, सपने में वैसे ऐसे बहुत बार. तो मास्टर मर्लिन से मैं कैसे कनेक्ट हुई? अपने आप मास्टर मर्लिन का नाम भी मेरे पास आ गया, अपने आप मास्टर मर्लिन का पेंडेंट मेरे पास आ गया. आई वर्क इन क्रिस्टल्स, ठीक है? तो मास्टर मर्लिन इन क्रिस्टल फॉर्म मेरे पास अपने आप आ गए. मैंने उनके बारे में पढ़ा था लेकिन कनेक्शन नहीं था. पढ़ना और कनेक्शन दो डिफरेंट बात है, ठीक है ना? आप समझेंगे ये बात. पढ़ना और कनेक्शन बहुत डिफरेंट बात है. लेकिन उन्होंने कनेक्ट, मुझे ये समझ आया उनको जिसके साथ कनेक्ट करना होता है ना वो जबरदस्ती जानबूझ के कर ही लेते हैं. मुझे तो करना है, He'll let you know that you wanted to connect with you, और वो करेंगे ही करेंगे. प्रमीला जी जानते हैं. तो हम सबके साथ ऐसे ही होगा और ऐसे ही हुआ है और आपका इंटरेस्ट आ जाएगा उसके अंदर, ठीक है? तो देखिए मेरे भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं. हम आई एम ऑल्सो अ फीलर और वास्तु, मतलब हर चीज ऑकल साइंस की हर चीज है. लेकिन मास्टर मर्लिन ही क्यों? बिकॉज आई वॉज डिसाइड टू डू दैट, ठीक है? तो आपको हल्की सी मैंने उनकी हिस्ट्री का बताया. अब हम कनेक्शन कैसे करते हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट एक्चुअली ही इज अ स्पिरिट. उनकी जो एनर्जी है ही इज अ स्पिरिट. हम अगर अपने आप को सोल कहेंगे तो वी आर नॉट अ सोल. ये पूरा कॉन्सेप्ट है. सोल इज अ ग्रुप ऑफ स्पिरिट्स, ठीक है? सोल इज अ ग्रुप ऑफ स्पिरिट्स. जैसे अनार होता है, पोमीग्रेनेट सबने देखा है, दैट इज अ सोल. और उसके जो अंदर छोटे छोटे दाने होते हैं और चैम्बर्स होते हैं. पोमीग्रेनेट हैज चैम्बर्स, राइट? तो उसके जो चैम्बर्स होते हैं, ऐसे ही हमारे सोल ग्रुप के अलग अलग ग्रुप्स होते हैं. स्पिरिट्स के अलग अलग बहुत सारी स्पिरिट्स इकट्ठे होकर ग्रुप्स बनाती हैं. एंड कम से कम 3-4 ग्रुप ऑफ स्पिरिट्स दे ऑल कनेक्ट एंड मेक अ सोल. तो जो हमारा सोल का मिशन है ना वो बहुत ग्रेट है. एंड देयर आर मेनी स्पिरिट्स टू हेल्प ईच अदर इन सोल. इफ यू टॉक अबाउट सोल, सोल इज अ वेरी बिग कॉन्सेप्ट. इट इज नॉट ओनली यू, यू आर अ पार्ट ऑफ दैट सोल ग्रुप. You are a spirit. Individually, you are a spirit. आप वो you are a pearl of that pomegranate. And the whole fruit, which is called soul, it is a soul group. Because उसके अंदर वो लोग आपके साथ होंगे जो आपके आसपास हैं या जो आपकी हेल्प करते हैं या फिर आपके जैसे लोग. They may be born in different parts of the world, but you people are connected energetically with each other. Sometimes you feel like you have met someone. आज मैं श्रुति जी को देखी, मुझे लग रहा है मैं इनसे मिली हूँ। मे बी शी माइट बी अ पार्ट ऑफ माई सोल ग्रुप। और वैसे भी आफ्टर कोरोना देयर आर सो मेनी ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। अब क्या है ना, सारे सेम माइंड लोग, सारे सेम वाइब्रेशन के लोग एक साथ थ्रू द पोर्टल्स एक साथ आ गए, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखो इंटरनेशनली ऑल्सो पीपल आर कमिंग टुगेदर। मे बी वी आर अ पीपल ऑफ सोल ग्रुप एंड कमिंग टुगेदर। अदरवाइज हम लोग कहाँ किससे मिल रहे थे? This is an opportunity for all of us, for a soul group to come together and meet. That is why sometimes we feel like we are together, we know each other, right? तो soul के बारे में समझ आया। We are not a soul, but we are a spirit. In a similar way, Master Merlin is a spirit. और उनसे connection का मतलब we should know how to go and connect in the spirit world. अब see, I am explaining a very big topic. Because this needs a mediumship. Is anyone here is a medium जो channelize करता है energy? Anyone? You may please raise your hand. I am a medium. I channelize energies. I contact with souls. Okay. So, and those who have this ability, either in a small fragment, they are able to channelize the energy of Master Merlin. So what we will do in this course, I'll try and teach you a small part of mediumship. Unless you know how to become a medium, how to connect with the spirit world, and what are the rules and regulations of the spirit world, you should know about it. देखिए आप ऊपर surface level से तो Master Merlin से connect कर सकते हैं कि आपको मास्टर मर्लिन सारी एनर्जीज भी दे सकते हैं, आपको मास्टर मर्लिन सारी इंडिकेशंस भी दे सकते हैं। बट द लैंग्वेज ही इज टॉकिंग, डू यू एक्चुअली एक्नॉलेज दैट लैंग्वेज? अनलेस यू गेट कनेक्टेड इनटू द स्पिरिट वर्ल्ड, आप उनकी लैंग्वेज को समझ ही नहीं पाएंगे। बिकॉज दे कम्युनिकेट विद अस समटाइम्स इन द फॉर्म ऑफ साइंस, ओके। एंड इफ यू आर कनेक्टेड इनटू द स्पिरिट वर्ल्ड, वो साइंस आपको अपना मीनिंग एकदम क्लियरली बताते हैं। एंड मास्टर मर्लिन की ये सबसे बड़ी खासियत है, वो अपना जो बात बताते हैं, आपको गाइडेंस देते हैं ना, इट इज वेरी वेरी क्लियर इन द लेमन लैंग्वेज एज यू गेट कनेक्टेड इनटू द स्पिरिट वर्ल्ड। स्पिरिट वर्ल्ड राइट और अपने क्लेयर्स को क्लीन करना, बिकॉज मोस्टली क्या होता है, कौन से क्लेयर से कनेक्शन होता है? क्लियर ऑडियंस। मास्टर मर्लिन इज नॉट विद क्लियर वॉयंस, दिखते इतने नहीं है जितना वो सुनाई देते हैं। ये खासियत है मास्टर मर्लिन की, ओके। तो यू नीड टू डेवलप दैट सेंस इन यू, so that you can communicate with Master Merlin. और फिर एक बात, when you have the capacity of getting connected with spirits into the spirit world, then the gate opens to you. आपका मतलब it is not only limited to Master Merlin, but many many energies come, because एक बार जब portal खुलता है ना, तो वो बहुत सारी energies को साथ लेकर आता है। You should know how to deal with them. You should know how to protect yourself. Okay? बहुत अच्छा भी है, बिकॉज आपको ऐसे इतने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं, गाइडेंस एकदम क्लियर मिलती है, योर लाइफ रियली ज़ूम अप, बहुत मजा आता है। यू जस्ट लुक एट अ पर्सन और आपको समझ आ जाएगा, आपकी क्लियर्स वैसे भी बढ़ जाएंगे, आपको ऑरा रीडिंग करनी बहुत अच्छी आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा सामने पर्सन खड़ा होगा, यू विल बी एबल टू नो अबाउट द पर्सन, बिकॉज आपके जो क्लियर्स है वो ओपन हो जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन उसके लिए हमें कोई स्पेशल ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं होती है, स्पिरिट वर्ल्ड में कनेक्शन आना चाहिए। जैसे आप स्पिरिट वर्ल्ड में कनेक्शन करना सीखते हैं, आपके क्लियर्स ऑलरेडी अपने आप धीरे 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 करके वो ओपन होने लगते हैं, ठीक है। ओनली अब इसके अंदर और क्या इंपॉर्टेंट बात है, यू हैव टू जर्नलाइज ईच एंड एवरीथिंग यू एक्सपीरियंस। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मर्लिन मैजिक। यू ऑलवेज हैव टू कीप अ जर्नल अलॉन्ग विद यू, एक जर्नल रखिए एंड अ पेन विद यू, वेन एवर एनी साउंड कम टू एंटर योर ईयर, राइट। कोई आपको ऐसा लगे, कोई आपको कोई मैसेज दे रहा है, कुछ आपको सुनाई दिया, leave it that audience, clear audience. आपने कुछ समझा, कुछ मतलब कुछ क्वेश्चंस आपने यूनिवर्स में डाला, आप टीवी पे कुछ चलता हुआ आगे ना, जस्ट राइट डाउन दैट मैसेज in your journal. Message will come in many many forms. सुनाई भी देगा, सपने में भी दिखाई देगा. सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ आती है? आप भूल जाते हो, आप कनेक्ट नहीं कर पाते. और इसका तरीका, और मास्टर मर्लिन बहुत ज्यादा कनेक्टेड है जर्नलाइजिंग से, बहुत ज्यादा कनेक्टेड है. रिमेम्बर, जो स्पिरिट वर्ल्ड में होती हैं, जो स्पिरिट्स होते हैं ना, दे रियली वांट टू शो देमसेल्व्स एंड उनकी वो दिखाना चाहते हैं हाउ मच दे लव अस, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड में उनका काम ही होता है टू हेल्प पीपल ऑन द फिजिकल अर्थ. ओके, बिकॉज आज हम सब जो है ना, वी आर वाइब्रेटिंग ऑन सच लेवल कि हम लोग सब अच्छी स्पिरिट से कनेक्ट करेंगे. आपको सबको मालूम है स्पिरिट्स अच्छी बुरी सब होती है, लेकिन हमारा कनेक्शन, अगर हम लोअर एनर्जी लेवल में है तो हम लोअर स्पिरिट से ही कनेक्ट करते हैं. आज आपको समझ आता होगा भूत प्रेत ये सब किसके ऊपर आते हैं, कौन सब इतने एंजाइटी में ये सब बिहेव करने लगता है. पीपल हु आर इन लोअर वाइब्रेशनल लेवल, राइट, जो इमोशनली परेशान होते हैं. आज कोरोना में कौन लोग गए, मैंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट, सॉरी, सर्वे किया था. कोरोना में मोस्टली वो लोग गए जो इमोशनली परेशान थे. 90% मेरे डेटा में यही था, जो इमोशनली परेशान थे कोरोना में वही लोग गए, एंड दे वर वाइब्रेटिंग एट द लोएस्ट वाइब्रेशंस, तो दे गॉट अटैक्ड बाय दोस थिंग्स. ओके, लेकिन जो लोग हाई वाइब्रेशन में करते हैं, हमें करना ही पड़ेगा हाई वाइब्रेशन में वाइब्रेट, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट. दिस इज अ मैंडेटरी, इसका रूल, वी हैव टू बी ऑन हाईएस्ट वाइब्रेटरी लेवल. तो हम इसके लिए क्या करते हैं, वी गिव यू अट्यूनमेंट्स. देयर आर 3 ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल अट्यूनमेंट्स, दोज आर कॉल्ड गोल्डन कीज ऑफ मास्टर मर्लिन, एंड वंस यू विल डू दैट, you will actually be able to connect with your own self, your own, you know, divine self. जब तक आप अपने आप से नहीं कनेक्ट होगे, आज एक सच्चाई है, हम लोग क्यों ऑकल्ट साइंस कर रहे हैं, बिकॉज अपने साथ साथ सबसे पहले हम दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं, अपनी हेल्प करें या ना करें, राइट. बट मास्टर मर्लिन की ये जो क्लास है, मास्टर मर्लिन कहते हैं कि सबसे पहले अपने आप को ठीक करो, अपने आप से कनेक्ट हो. जब तक आप खुद सही प्लेस पे नहीं होगे ना, यू वोंट बी एबल टू कनेक्ट विद द वर्ल्ड. दिस इज दी प्रीरिक्विसाइट ऑफ मास्टर मर्लिन. सबसे पहले अपने आप को हील करो, और उनकी जो लर्निंग है सबसे पहले इसमें हीलिंग ही अपनी है, सेल्फ हीलिंग. तो जो हम अट्यूनमेंट आपको देते हैं, इट इज अबाउट द 3 गोल्डन कीज ऑफ मास्टर मर्लिन, विच इज द 3 अट्यूनमेंट्स विच एक्चुअली मेक यू केपेबल ऑफ डूइंग मैजिक इन द वर्ल्ड. दिस वे यू विल बी एबल टू डू द मैजिक, बिकॉज फर्स्ट यू विल एक्सपीरियंस दैट मैजिक इनसाइड यू. जब तक कोई चीज हम अपने ऊपर ना करें और खुद विश्वास ना हो, तो हम दूसरों के साथ कर ही नहीं सकते, राइट. वेलकम अतुल जी, आपको देख के बहुत अच्छा लगा. चलिए, ओके, तो थोड़ा सा हम ये भी करते हैं कि हम मर्लिन से कैसे कनेक्ट करते हैं. एक तो स्पिरिट वर्ल्ड से, मीडियमशिप से हो गया, ये एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम. सेकेंड, थ्रू मेडिटेशन. मेडिटेशन, व्हाट इज मेडिटेशन, कौन बताएगा, बताइए, रेज योर हैंड. व्हाट इज मेडिटेशन, अनामिका जी बताइए. मैम, जितना मुझे समझ आता है कि मेडिटेशन है अपने आप से कनेक्ट करना, एंड तो मुझे ऐसा लगता है कि अपना ध्यान पूरा हमारी बॉडी में क्या वाइब्रेशन है, क्या हलचल हो रही है, कैसे हमें अपने विचारों पे काम करना है. सो मुझे लगता है सारी जिंदगी हमें अपने ऊपर काम करना है, एंड दिस इज मेडिटेशन. परफेक्ट अनामिका जी, वंडरफुल. क्लैपिंग क्लैपिंग फॉर अनामिका जी, बिल्कुल ठीक था. एक चीज मैं ऐड कर दूंगी, मेडिटेशन इज आल्सो अबाउट इंक्रीजिंग आवर वाइब्रेटरी लेवल्स, है ना. तो मेडिटेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है. हम रोज कुछ ना कुछ अपने जीवन की परिस्थितियों से निकलते हैं, उनसे अपने आप को क्योर करने के लिए वी नीड टू डू मेडिटेशन. यस जी, श्रुति जी बताइए. मुझे लगता है मेडिटेशन में ये भी है कि जब हम अपनी फ्रीक्वेंसी को वो यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करते हैं, या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करें, तो उसको मेडिटेशन कहा जाता है. यस मैम, आपने बहुत ही सुंदर बात कही. और ये आप मुझे बताइए, आप किस चीज से कनेक्ट करने की बात कह रहे हैं, कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है जो यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी होती है. मैम ऐसा है कि जैसे हम फ्रीक्वेंसीज आते हैं, जैसे हम कहते हैं 7.0 ये जो सेल्फ ईगो फ्रीक्वेंसीज यू आर टॉकिंग अबाउट, राइट? हैजार्ड्स एंड ऑल वो सब होते हैं फ्रीक्वेंसीज। तो वो फ्रीक्वेंसीज के लेवल पे जब हम आएंगे तो हम अपने आप को स्वर्थ में करेंगे। तो वो जैसे आपने बोला एंजाइटी ये वो जो हम, चलो इसी बात पे आज मैं आपको एक मास्टर मर्लिन का ना एक करवाई देती हूँ छोटा सा, ठीक है? करने को तैयार है हम सब? ठीक है, yes. बहुत छोटा सा करवाऊंगी जस्ट टू मेक यू रियलाइज व्हाट इट इज, ठीक है? इस फ्रीक्वेंसी की बात पे चलिए सेट स्ट्रेट। देखिए आई एम मास्टर, यस यू आर परफेक्टली करेक्ट, यू आर परफेक्टली करेक्ट। और वही मैं सबको एक्सपीरियंस करा रही हूँ जो कर सके। देखिए हम सब कोशिश करेंगे हम कर सके, राइट? बाय द वे मैं आपको बता देती हूँ मेरे स्टूडेंट्स को मालूम है आई एम मास्टर इन मेडिटेशंस। मैं हर चीज में अपनी मेडिटेशंस कराती हूँ एंड आई लव डूइंग मेडिटेशंस एंड ऑल टाइप्स ऑफ मेडिटेशन। तो आज हम एक टाइप की और मेडिटेशन करते हैं। सिट स्ट्रेट, क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रीथ एंड रिलैक्स। अगेन टेक अ डीप ब्रीथ and relax। अपने मन की गहराइयों में जाइए, अपना राइट हैंड अपने हार्ट पर लेकर आइए, अपने दिल के पास रखिए। आज आपको अपना एसेंस ढूंढना है, योर एसेंस। हु आर यू? किस लिए आए हैं आप? वॉट इज योर वर्क? मन की गहराइयों में जाते जाइए, ट्राई टू फाइंड आउट योर एसेंस। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, इट मे हैव एनी कलर, इट मे बी अ ब्यूटीफुल पर्ल, इट मे बी एनीथिंग। आपको कोशिश नहीं करनी, वो अपने आप ऊपर आएगा और आप उसको पहचानोगे। ट्राई टू फाइंड आउट योर एसेंस। इट maybe, on any of your chakra. It may be in the center of your being. Acknowledge. Acknowledge the emotions connected with it. Go deeper and deeper. Feel the peace. This is you. जैसे ही आपका एसेंस आपके पास आने लगेगा, your heartbeat may increase. We'll be very happy to meet your essence. Acknowledge. As you meet your essence first time, it is your true compassionate companion. Giving you 30 seconds more. Meet your inner self. Meet your companion. Love you. Slowly, slowly, you may come back and open your arms. मन नहीं करता वापस आने का। आई नो, बिकॉज कंपैशन और अपने सेल्फ के साथ मिलना बहुत बहुत एक नई चीज है। रश्मि जी, वर यू एबल टू डिटेक्ट द एसेंस, एनी शेप, एनी फॉर्म, फीलिंग, इमोशन? मैम जैसे ही आपने बोला, मैंने शिव भगवान और पार्वती माँ को देखा पहले, और उसके बाद मैंने दोनों को देखा कि वो पानी के अंदर एक बहुत ही पीसफुल वाला मूवमेंट कर रहे हैं, जस्ट लाइक डांसिंग बोथ आर। और वो पार्वती माँ ही हैं और उन्होंने पूरा श्वेत वस्त्र धारण किया हुआ था, पर्ल्स जैसे फ्लावर्स जैसे थे, और शिव भगवान ब्लू कलर के थे, और वो बहुत ही ब्यूटीफुल डांस था पानी के अंदर, टोटली पानी के अंदर दोनों मूवमेंट चल रहे थे दोनों के। और फिर उसके बाद थोड़ी देर में दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज हो रहे थे, कभी वो। और उसके बाद मैंने देखा दोनों एक साथ आए और वो मेरे हार्ट चक्र के अंदर, हार्ट के अंदर दोनों चले गए। मींस दिस एसेंस इज इन योर हार्ट चक्र। यस, थैंक यू। ये तो बहुत ही सुंदर, मैंने ये वाला चीज कभी नहीं फील किया था। वंडरफुल। और इसको आप लिख कर रखना आज, जिसने भी फील किया प्लीज राइट इट, एंड आप हमेशा रखिएगा। अब जो मेरे श्री यंत्र के स्टूडेंट्स हैं उनको समझ आ रहा होगा कि रश्मि जी क्या बात कर रही है। पुष्पा जी, आर यू एबल टू नो? प्रियंका जी, व्हाट शी इज टॉकिंग अबाउट एज नारीश्वर, और वही हमारा स्वरूप है। एंड जब उन्होंने अपना एसेंस को लिया, यू वर एक्चुअली एबल टू सी योर एसेंस। दिस इज सो ब्यूटीफुल रश्मि जी, वंडरफुल, थैंक यू। मैं तो ठीक से अभी आ रही हूं, बट एब्जॉर्ब इट, एब्जॉर्ब करिए इसे, ठीक है, एब्जॉर्ब इट। और इसके साथ कमाल होता है, हम मर्लिन में इसका पूरी अट्यूनमेंट करेंगे और कमाल करेंगे। ये चीज आपकी अपनी है, जो आपकी अपनी अपने साथ ही रहेगी। हर किसी की अपनी इंडिविजुअल होती है। वी हैव टू एक्नॉलेज दैट इंडिविजुअलिटी इन ईच ऑफ अस। यस मैम, एंड कीप जर्नलिंग, कीप जर्नलिंग। यू विल बी, आप देखिएगा फ्रॉम डे 1 टू डे 30 और डे 60, वॉट एवर इट इज, हम 2 महीने बाद यू विल बी अ कंप्लीट चेंज पर्सनैलिटी। ओके, सो और कोई शेयर करना चाहेगा? यस जी, श्रुति जी बताइए। आपने जैसे ही बोला था कि अपनी सोल को देखो, तो आई कुड फील माई हार्ट एक्चुअली। मुझे हार्ट ही दिख रहा था, और पिंक कलर का हार्ट, और मुझे ये लग रहा था कि वो लव स्प्रेड हो रहा है। Wow. Love is spreading and wow. I am here. I am love actually. Wonderful. इसका मतलब आपका जो एसेंस है that is of pink color. आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दिया हार्ट, और आपका ये जो है वो हार्ट चक्र पे स्थापित है। ये सब लिख लीजिए और याद रखिए, because you will be working with it. और मतलब जैसे इन्होंने कहा merging of the things, तो मुझे yes. लग रहा था 2 हार्ट्स हैं, और जैसे वो 2 हार्ट्स ऐसे आपस में वो करते हैं, yes. वो हार्ट्स डांस कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। wow. देखो सबको रिदम नजर आई है, वंडरफुल। किसी ना किसी फॉर्म में सभी को रिदम नजर आई है। आप देख रहे कितना ब्यूटीफुल है योर एसेंस, योर पर्सनल एसेंस। ये किसी और का हो ही नहीं सकता, ये सब आपका अपना पर्सनल है, राइट? वंडरफुल, वंडरफुल, थैंक यू सो मच श्रुति जी। जी अनामिका जी। मैम मुझे लास्ट में दिखा, पहले मुझे बस एक जैसे किसी ने मैसेज दिया, बिकॉज जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने यही बोला कि दिस सेशन is dedicated to you Master Merlin, जो आप मुझे समझाना चाहते हो, दिखाना चाहते हो, या जो मुझे गाइड करना चाहते हो। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि आई एम हियर, जो कि मैंने पहले भी कहा, अपने ऊपर, और जो कि मैं रेगुलर करती भी हूँ, अपने ऊपर काम करना, एंड यू आर हियर टू सर्व अदर्स। यस, एक तो मुझे ये फील हुआ, और दूसरा मैम आप लिख लीजिए, मैम आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं। देखो ऐसे सुनाई देता है, राइट, इंटरनल वॉइसेस जी, राइट। एंड मैम मुझे फोरहेड हनुमान जी का, और बहुत बड़ा सा टीका, एंड फोरहेड पे बहुत फोकस था हनुमान जी। तो इसका मतलब आपको जो इनर एसेंस है वो आपके आग्नेय चक्र पर है, राइट? योर इनर एसेंस इज ऑफ आग्नेय चक्र। देखिए हमारी पूरी बॉडी ना एक मैप है, सब चीजें एक जगह पर होती है, हर जगह पे अलग अलग चीजें होती है। कभी होगा तो आई ऑल्सो डू द क्लास ऑफ वास्तुशास्त्र, इंटरनल वास्तुशास्त्र, हमारी पूरी बॉडी का वास्तुशास्त्र, राइट? इसके अंदर एक पर्टिकुलर ये चीज है कि हमारा जो इनर एसेंस है कहाँ पर है। तो आपका इनर एसेंस सबका अलग अलग निकला, जैसे रश्मि जी का और श्रुति जी का हार्ट है और आपका अनामिका जी फोरहेड निकला है ना। तो याद रखिए, लिख लीजिए, ये आपका पर्सनल स्पेस है, राइट। परफेक्ट जी शिखा जी। मैम मुझे कुछ ऐसा दिखा भी नहीं, बट राइट एंड लेफ्ट हैंड में नमनेस, जबरदस्त वाइब्रेशन पूरे सूक्ष्म शरीर में, मतलब मैं अच्छे से वाइब्रेशन फील, राइट आई में टिंगलिंग, थोड़ा सर पे प्रेशर, थोड़ी बहुत लाइट्स और इसका मतलब सर पे प्रेशर, इसका मतलब आपका भी देखिए प्लेस यही है क्योंकि प्रेशर यहाँ पे पड़ा, प्लेस यहाँ पर ही आपका थोड़ा बहुत यहाँ, हाँ, हैंड। दिस इज द प्लेस वेयर योर गोल्डन एसेंस इज, राइट, योर पर्सनल एसेंस। तो फोकस आपके अंदर मे बी, जो मुझे लग रहा है, मुझे दिखाई भी दे रहा है, थोड़ी बहुत ब्लॉकेजेस हैं। तो यू माइट बी गोइंग थ्रू सर्टेन इमोशनल इश्यूज आल्सो, तो वो उसकी ब्लॉकेजेस ही है। तो अगर आप ये एसेंस के साथ काम करेंगे ना, तो वो एक्चुअली धीरे धीरे उनको भी खत्म कर देंगे। तो ब्लॉकेजेस कैसे, मतलब जैसे जैसे लोग को सुनाई देता है, मुझे नहीं सुनाई देता, एंड थर्ड आई पे विजुअलाइजेशन। जरूरी नहीं है कि हमारा जो हर क्लियर है वो क्लियर हो, ठीक है। हर किसी का अपना स्पेशल क्लियर होता है, आपका क्लियर नोइंग है क्योंकि आपको समझ आया, आपको पता लगा, दैट इज क्लियर नोइंग, ओके। तो दिस इज योर स्पेशल क्लियर। ऐसा नहीं है कि क्लियर ऑडियंस नहीं है, अगर क्लियर ऑडियंस है तो आपके पास नहीं, आपके पास है, एक्नॉलेज, नोइंग, हाँ, समझ में आ जाता है, आई नो इट, यू हैव क्लियर नोइंग, दिस इज योर स्पेशलिटी, दिस इज वेरी नाइस स्पेशलिटी, एंड इससे भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, राइट, ओके। तो ऑफ कोर्स यू आर वेरी स्पेशल, आपको खुद ही समझ आ गया, पता चल गया, नॉलेज होनी चाहिए बस इस चीज, मतलब पता लगता है बाय द एनर्जी चेंजेस, नॉट बाय कभी-कभी विजुअली दिख जाता है। आप देखिए कितनी स्पेशल है, सबसे अलग है। तो मैम मुझे राइट एंड लेफ्ट आई में टिंगलिंग अलग से हो जाती है, पता लग जाता है नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी, बट विजुअली में एंजल नंबर्स दिख जाते हैं, खुशबुएं भी आ जाती है, बट जहाँ तक सुनने की बात है एंड थर्ड आई पे बहुत रेयर होता है, मतलब इट्स ओके, आपकी स्पेशलिटी है, आपको पता चल गई है ना, तो बस आप उसके ऊपर फोकस कीजिए, ठीक है, ठीक है, वंडरफुल जी। प्रमिला जी। मैम आपने मेडिटेशन तो ये कराया, बट मास्टर मर्लिन आ गए और हंसने लग गए, अरे वाओ, वेरी नाइस, और बोल रहे थे इतने दिनों से मुझे अवॉइड कर रही थी, अब अवॉइड करके दिखाओ। तो वेरी नाइस, मैंने मतलब आपका क्लास देखा ना, तभी मैं समझ गई कि अब तो एंट्री लेना ही है, अब तो लेना है। मैंने आपसे बोला ना, आपने चूज करते हैं मास्टर मर्लिन को, मास्टर मर्लिन आपको चूज करते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम किसी को चूज करें, करेक्ट। 3-4 महीने से वो सिग्नल दे रहे थे बट मैं इग्नोर कर रही थी, तो आज फिर हो ही गया, देन मैंने एक्सेप्ट किया कि नहीं, henceforth I will acknowledge, और फिर उन्होंने क्राउन चक्रा पे उनके वैन से ब्लेसिंग्स दिए। तो इसका मतलब क्राउन चक्रा पे आपका एसेंस है, क्राउन चक्रा पे आपका एसेंस है, आप लिख कर रखिएगा इसे, ठीक है। एक अलग से कॉपी बना लीजिए, जर्नल एक अलग से मास्टर मर्लिन के लिए क्रिएट कीजिए, तो यू विल बी एबल टू नो द डिफरेंस। हमारे साथ अंशु मैम भी है, वेलकम अंशु मैम, कैसे हैं आप? आत्मा नमस्ते। आत्मा नमस्ते, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। आपने अभी कहा ना वो मास्टर मर्लिन खुद ही बुलाते हैं, तो बुला लिया आज मुझे। चलिए, हमारी खुशकिस्मती है मास्टर मर्लिन, थैंक यू। चलिए ठीक है, आपने किया मैम? आपने की मेडिटेशन? नहीं, मैंने तो जस्ट ज्वाइन ही किया। अच्छा, ओके, आई कुड ज्वाइन, ओके, बट ठीक है, इट्स जस्ट फाइन, आपको छोड़ेंगे नहीं, आपसे सीख के मानूंगी मैं, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल जी। वर्तिका जी, बहुत सारे सब स्टूडेंट्स हैं, मुझे इतना अच्छा लग रहा है सबको देख के जी। तो मैं पर्सनली भी मिली हूँ, पुष्पा जी, प्रियंका, रश्मि, गजब का इंटरव्यू पावर है। हेलो अंशु मैम, कैसे हो? वेरी नाइस, वेरी नाइस, ये तो देव की, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी ही क्लास में बैठी हूँ। हाँ, तो बस यही है, हम सब एक ही हैं। We are the extension of each other. चलिए, wonderful. जी जी, nice. हाँ, thank you. और आपकी क्लास में मैं कोशिश करती हूँ कि ज्वाइन कर पाऊँ, लेकिन वो यू नो ना हाउ टाइम नेवर परमिट्स, उससे ऊपर नीचे हो ही जाता है। और मास्टर मर्लिन को कराना होगा ना, आपके टाइम को भी सेटल कर देंगे। नहीं, मैं कोशिश करूंगी इस बार आपकी पूरी क्लास अटेंड करने की। वेलकम वेलकम मैम, आप हमेशा वेलकम है हमारी क्लास में। मेरे को मैम मत बोलो, कम ऑन। ओके, चलिए ठीक है, चलिए बढ़ते आगे, वर्तिका जी बताइए। हाँ मैम, मुझे ये तो नहीं मालूम क्योंकि मैं थोड़ा सा कुछ मतलब मेडिटेशन करने के लिए आई थी, क्योंकि मैं बिजी थी। मैंने कहा मेडिटेशन करने, तो शुरू का मुझे आप क्या बोल रहे हो वो समझ में नहीं आ रहा था। बट आई प्रेयर कि आपने बस, मैंने एक चीज सुनी थी कि आपको वो कुछ भी दिख सकता है। तो जब मतलब मैं थोड़ा ध्यान करने की कोशिश कर रही थी तो मेरे को क्राउन से लेकर हार्ट कह लो या थ्रोट तक कह लो, व्हाइट लाइट, बहुत मतलब ब्राइट गोल्डन ब्राइट लाइट दिख रही थी यहाँ से यहाँ तक। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि अचानक से मुझे विजन आया एक धनुष का, वंडरफुल, वाव, धनुष का विजन आया। लेकिन धनुष का जो तीर कमान होता है वो बहुत पतला होता है, बट वो मुझे वुड का मतलब राउंड कलर का स्पेसिफिक बहुत मोटा मतलब और काफी लंबा, जैसे जमीन पे वो डंडा खड़ा हुआ है और धनुष उसके ऊपर जस्ट टच कर रहा है उसकी एज पे। अब आप ध्यान से सुनिएगा, आप सब लोग ध्यान से ये जो बोल रहे हैं वर्तिका जी बहुत ध्यान से सुनिए। और फिर उसके बाद मैंने देखने की कोशिश की तो मुझे बहुत दूर कोई लाइटें नजर आई, जैसे हम कोई फेयर में नहीं जाते वो छोटे छोटे पर्दे की मतलब स्टैंड की शॉप्स दिखती है जिसमें से सब में व्हाइट लाइट जली हुई है और कुछ कुछ लोग हैं मतलब मुझे मतलब कुछ समझ नहीं आया। बस मास्टर मर्लिन आपको बुला रहे हैं एक्चुअली। उनको क्या दिखा, शी सॉ अ वॉन्ड ऑफ मास्टर मर्लिन, वुडन वॉन्ड होता है जो इनको मोटा सा दिखाई दिया। सोचिए देखिए कितने ज्यादा कनेक्टिविटी होती है, यू नेवर नो, इनको पता ही नहीं व्हाट इज वॉन्ड एंड आई बिलीव दैट यू नेवर इवन नो अबाउट मास्टर मर्लिन्स वॉन्ड एंड इज अ वुडन वॉन्ड। तो आप देखिए इनको खुद कैसे मास्टर मर्लिन ने किया। सबको देखो अलग अलग ही दिखाई देंगे, आप सब अपनी पर्सनालिटी तो आप अपने आप अलग अलग तरीके से कनेक्ट होंगे मास्टर मर्लिन से, राइट। सो दिस इज सो मैजिकल, दिस इज मैजिक, ठीक है। तो वंडरफुल जो बॉन्ड होता है वो वुडन बॉन्ड होता है, जो उनका स्टाफ कह देते हैं या फिर बॉन्ड होता है जो मैजिकल उनकी छड़ी होती है, ठीक है। और हमेशा वो वुडन और ब्राउन कलर की होती है। तो आपको बिल्कुल सही दिखा। और धनुषमान इसलिए बिकॉज यू आर नाउ स्टार्टिंग विद इट। हाँ, और मेरे को ये धनुष का ना मतलब जो कर्व है जैसे हम तीर चढ़ाते हैं ऊपर की तरफ, वो ही चीज मतलब दिखी। आपकी स्टार्टिंग विद मास्टर मर्लिन दिखा, स्टार्टिंग जर्नी विद मास्टर मर्लिन, वंडरफुल। देखिए वर्तिका जी आपको कितना अच्छा था, मतलब मुझे इतनी खुशी हो रही है आप सब लोग कनेक्ट कर पाए उनसे, राइट। ब्यूटीफुल जी, पुष्पा जी। When I kept the palm on the heart, first I felt anti-clockwise rotation, and then clockwise rotation. Always I'm feeling rotation every time when I do meditation. And then I saw the green color stones, white stones, big size. Then and small multicolor stones, keeping on hand like strips of multicolor stone beads. Only colors. मास्टर मर्लिन की एनर्जी इतनी जबरदस्त है ना आज ग्रुप में। सी मास्टर मर्लिन इज 100% कनेक्टेड, आई डोंट नो, या आई एम टेलिंग यू द इंडिकेशन, ही इज कंप्लीटली कनेक्टेड विद द नेचर एंड द क्रिस्टल्स एंड सो शी इज सो वंडरफुली यू नो पिक्चर ऑफ क्रिस्टल्स ऑन हर हैंड। और ग्रीन कलर स्पेशली क्योंकि मास्टर मर्लिन बहुत ज्यादा अटैच्ड है नेचर से, ग्रीन कलर एंड द होल कंप्लीट नेचर, प्लांट वर्ल्ड, एनिमल किंगडम, सबसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। और ग्रीन एंड रेड कलर इज हिज प्रिय कलर। तो पुष्पा जी 100, ठीक है। आप सब लोग कितने अलग अलग उनके पार्ट से कनेक्ट हुए हैं। पुष्पा जी नेचर से कनेक्ट हुई है, वर्तिका जी श्राप से कनेक्ट हुई है, रश्मि जी वो तो पूरी प्रकृति के रिदम से कनेक्ट हो गई, श्रुति जी भी रिदम से कनेक्ट हो गई। सिर्फ हाउ ब्यूटीफुली यू पीपल आर कनेक्टिंग विद द एनर्जीज ऑफ मास्टर मर्लिन, राइट। This is miracle. This is miracle. Wonderful. So अभी हम let me share कि इस पूरे कोर्स में क्या कोर्स रहेगा। Just give me a moment. आई बिलीव आप सब लोगों को स्क्रीन दिख रही है, यस। सो गुरुजी ज्ञान द्वारा ये कोर्स कराया जा रहा है एंड वी आर दी इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंसेस आचार्य राजीव सर एंड आचार्य पूनम मैम दे आर दी हेड मेंटोर्स एंड वी आर दी faculties and we are the sub mentors of the institute. So this is the another course by Gurujee Gyan that is Master Merlin and Magic Manifestation. Manifestation इसलिए क्योंकि हर occult sciences की theory कोई चीज पाने के लिए होती है और हम लोग बिल्कुल क्लियर है इसमें भी we are manipulating the powers of nature. We are asking things to be done by the powers of nature and we are actually manifesting our wishes and desires through the energy of Master Merlin. और सिर्फ यही नहीं मैनिफेस्टेशन मास्टर मर्लिन की क्या है वो सबसे पहले कहते हैं कि अपने आप को पहचानो, अपने आप पर करो, फिर दूसरों पर करो. तो दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ मास्टर मर्लिन, राइट? यू विल एक्नॉलेज पावर विद इन. उसके बाद आपको समझ में आएगा कि करना क्या है, अपने आप करेंगे आप. ओके, This is our course content. I know the course content is very big, लेकिन हम 2 महीने में I'll try कि हम इसको पूरा complete कर लें, ठीक है? It includes सबसे पहले हम लोग मास्टर मर्लिन की attunement करेंगे और 3 attunement है, एक साथ attunement नहीं होगी. After every 3 or 4 classes I'll do the next attunements, ठीक है? They are the wonderful attunement. Attunement का मतलब होता है आप अपने आप से खुद सबसे पहले attune होंगे और फिर यूनिवर्स से अंदर नेचर से attunement होगी आपकी, ठीक है? फिर उसके बाद हम मास्टर मर्लिन से कैसे कनेक्ट करेंगे? इट इज एक्चुअली बाय क्रिएटिंग अ एस्ट्रल स्पेस. आई विल गाइड यू थ्रू द मीडियमशिप, अ पार्ट ऑफ मीडियमशिप, जहाँ पे आप लोग अपना एस्ट्रल स्पेस क्रिएट करेंगे एंड यू विल लर्न टू कनेक्ट विद द स्पिरिट्स. हम थोड़ी बहुत स्पिरिट से कनेक्ट करने की प्रैक्टिस करेंगे सो दैट एटलीस्ट आपको प्रोटेक्शन करनी आनी चाहिए अपनी कि कैसे प्रोटेक्शन करने स्पिरिट वर्ल्ड में जाने के बाद और कैसे सबसे ज्यादा बेनिफिट लेना है. हमें सब फटाफट जर्नल करके, क्योंकि बहुत ज्यादा हम भूल जाते हैं जर्नल करने अपना, हर बार अपना को प्रोटेक्ट करना है और जो हीलिंग करनी है हम वहाँ पे सीखेंगे. स्पेस बनाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव स्पेस होता है. और सबसे खास बात मुझे बहुत ब्यूटीफुल मास्टर मर्लिन की ये लगती है कि ही टीचेस अस बाय वे ऑफ स्टोरीज, अपनी कहानियां बना के. और वो उनका अपना एस्ट्रल वर्ल्ड क्रिएट करेंगे, वो अपनी एस्ट्रल स्पेस क्रिएट करते हैं, राइट? जो 12th क्या कहते हैं मिडीवल एज में जो थी, ईयर आई थिंक 1200 समथिंग, वहां पे जो जगह रहते थे आज भी वो वहीं रहते हैं, आज भी उनकी सोल वहीं है और वहीं पे आपको बुलाते हैं बिकॉज दैट इज अ वेरी प्रोटेक्टिव स्पेस. वहां पे जो एनिमल से कनेक्टेड है, जो पूरे प्लांट किंगडम से कनेक्टेड है, एक्चुअली ही टेक्स हेल्प फ्रॉम ईच एंड एवरी नेचुरल ऑब्जेक्ट, नेचुरल स्पिरिट्स, है ना? कभी हम आउल देखते हैं उनके पास, कभी हम ड्रैगन्स देखते हैं. इवन ही टेक्स हेल्प फ्रॉम द माउस जो होता है ना खेतों में, उस माउस से हेल्प लेते हैं. आप सोचो इतनी छोटी छोटी नेचुरल बीइंग से वो हेल्प लेके हमारी इतनी ज्यादा हेल्प करते हैं. तो ऑल्सो यू विल बी एबल टू नो अबाउट द पावर ऑफ ड्रैगन्स. हम इसके अंदर पावर ऑफ ड्रैगन के बारे में बात करेंगे और मर्लिन ऑल्टर प्लांट्स और क्रिस्टल से कैसे बनाते हैं. कैंडल मैजिक बहुत सारा होता है, उसके अंदर हम कैंडल मैजिक करेंगे. एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे, एलिमेंट्स को कैसे एक्टिव करना है सारे डायरेक्शन में अपने लिए. दिस इज अ रिचुअल, विल लर्न अबाउट इट. विल ऑल्सो लर्न अबाउट द सिजिल्स जो मास्टर मर्लिन के साथ हम यूज कर सकते हैं एंड मेडिटेशन करेंगे रेकी के साथ. वी विल लर्न हाउ टू राइट लेटर टू मास्टर मर्लिन so that it activates your wishes. ठीक है? Art of talking and sharing with Merlin बहुत अच्छी एक्सरसाइज है. जब आप कभी अकेले होते हैं कैसे मास्टर मर्लिन पूरा विजुअलाइज करना है, उनके साथ बैठना है और बातें करनी है. ये भी सीखना जरूरी है. यूं तो आप कैसे भी बातें कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर गाइडेंस होगी प्रॉपर कि मास्टर मर्लिन कौन से एरिया में मिलेंगे, आपको कैसे मिलेंगे, तो यू विल बी मोस्ट कंफर्टेबल और आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी, आपकी कनेक्टिविटी ज्यादा होगी. यू लर्न टू connect with Master Merlin and you learn the art of talking with him. Then meditation with white and purple color, ये अलग से होता है. This is specially for Master Merlin magic. Nature से connection होगा. आप अपने सारे friends को कैसे name करेंगे, मतलब spiritual friends को, spirit friends को. आपके बहुत सारे spirit friends बनेंगे. You will name them so that they can help you as and when you call them. ठीक है? Wand making, हम wand बनाना सीखेंगे. मास्टर मर्लिन का वॉन्ड बनाएंगे, बहुत इजी है, क्रिस्टल से बनाएंगे, ठीक है? थोड़े बहुत ऑब्जेक्ट्स अपने घर से लेंगे उससे हम मास्टर मर्लिन का वॉन्ड बना के उससे उसको एक्टिवेट करेंगे और उससे हीलिंग करना सीखेंगे, ठीक है। देन देयर आर मेनी रिचुअल्स, जैसे रिचुअल्स फॉर मनी, रिचुअल्स फॉर रिमूविंग एनिमी, प्रोटेक्शन, ये जो मेन रिचुअल्स होते हैं फॉर लव, हेल्थ, फैमिली, हार्मनी, ये सारे रिचुअल्स करेंगे। देन वी विल आल्सो लर्न अबाउट द एफर्मेशंस। मास्टर मर्लिन में ना हम एफर्मेशंस के बारे में बहुत ज्यादा काम करते हैं, बिकॉज सबसे पहले तो जर्नलाइज करते हैं हम लोग। जर्नलाइजेशन में आपको अपने माइंड को, अगर हमें ब्रेन को ट्रेन करना है तो ऑफकोर्स एफर्मेशंस आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आई विल गिव यू सीरीज ऑफ 200 एफर्मेशंस और मैं आपको एक पूरा खाली एक फॉर्म भी दूंगी, उसके अंदर आप अपनी पर्सनल 10 एफर्मेशंस लिख लीजिएगा एंड यू विल हैव टू, वी विल चूज दोस एफर्मेशंस फॉर यू और आपको उन्हीं को रिपीट करना होगा, ठीक है। इस वे में आप लोग एकदम चैनलाइज हो जाओगे टुवर्ड्स द राइट एफर्मेशंस, आप कंफ्यूज ही नहीं होगे, राइट। देन मास्टर मर्लिन सीक्रेट कोड, स्विच वर्ड्स, एनर्जी सर्कल्स, बहुत सारे रिचुअल्स हैं, मैनी रिचुअल्स। अब क्या होता है कि हम लोग हर रिचुअल तो करते नहीं है, बट जब इतने सारे रिचुअल होते हैं ना, यू गेट कनेक्टेड टू पर्टिकुलर रिचुअल्स, चाहे 1 2 3 4 5, आप कितने भी रिचुअल से आप कनेक्ट हो जाइए। जैसे इसके अंदर वी हैव द रिचुअल्स विद ऑयल्स, with powders, with notes, hex breaking है, many kinds of rituals with Master Merlin। सब सीखिए, आपको सारी नॉलेज आएगी, थोड़ी थोड़ी क्रिस्टल ग्रिड भी बनाएंगे। एक्चुअली सब चीजें आपको थोड़ी थोड़ी आ जाएंगी ना, आप अपने आप भी उसको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से नई चीज अपना कुछ भी फॉर्मुलेट कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ आपको मास्टर मर्लिन के साथ इंट्रोड्यूस कराऊंगी, उसके बाद आपकी जर्नी खुद शुरू होगी, राइट। ये सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस कराने के लिए, बाकी जो फिर आपकी कम्युनिकेशन विद मास्टर मर्लिन होगी तो लाइफ टाइम की जर्नी आपकी अपनी है। एंड आई एम ऑलवेज देयर टू गाइड यू, कभी भी आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, आई एम ऑलवेज देयर, ठीक है। ये हमारी कोर्स कंटेंट हो गया। देन दीज आर द डिटेल्स ऑफ द कोर्स। स्टार्टिंग है 12 जुलाई, 2 महीने का कोर्स है, वेडनेसडे फ्राइडे 7:30 PM, ओके। 18+ क्लासेस होती हैं, जूम सेशंस, लाइव सेशंस होंगे, रिकॉर्डिंग मिलेंगी आपको 2 साल के लिए। आप कभी भी 2 साल में कभी भी उसको रिकॉर्डिंग को बार बार देख सकते हैं। डाउट क्लियरिंग सेशंस, प्रैक्टिकल केस स्टडीज होंगी, वो हम अपनी क्लासेस में जूम में लेते रहेंगे। अकेडमी की मेंबरशिप बेनिफिट मिलेगा, जो अगर आपने पहले से मेंबर्स हैं उनको बेनिफिट मिलता है, प्लस सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा। आप कभी भी जब भी ये दोबारा कोर्स होगा, आप एक बार, सिर्फ एक बार इसे जरूर रिपीट कर सकते हैं। स्टडी नोट्स, आपको सारी पीपीटीज मिल जाएंगी और कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा। नाउ अबाउट द फीस, जो न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे, उनके लिए 51 होता है, बट आफ्टर डिस्काउंट इट विल बी 4214, और जो हमारे सारे एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए आफ्टर डिस्काउंट इट इज 3158 फॉर बोथ 2 मंथ्स, ओके। आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप दिए गए नंबर्स पे या बैंक अकाउंट में आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आप इसमें पेमेंट करके स्क्रीनशॉट आप गुरुजी ज्ञान के नंबर्स पे, ये जो नंबर्स दिए गए हैं इनके ऊपर प्लीज आप भेज दीजिएगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। अब एनी क्वेश्चन? जी जानवी जी बताइए। सॉरी मैम, गलती से। नो इश्यूज। अनामिका जी। मैम मुझे एक छोटा सा डाउट कह ले, या जो भी है, मुझे मीडियमशिप का एक छोटा सा माइंड में है। एक्चुअली मेरे साथ क्या है कि मुझे आई डोंट नो, मैं पहले तो इसको वहम समझती थी, बट अब समझ आता है कि कुछ कुछ जैसे जैसे मेरी जर्नी आगे बढ़ रही, बट मुझे समटाइम्स ऐसा फील होता है जैसे कोई है, कोई जा रहा है, और मेरे अंदर मुझे नहीं पता कहाँ का फियर है, बट मेरे अंदर आई कैन फील इट कि मेरे सोलर सेक्टर में बहुत ज्यादा फियर है। और मैंने देखा, अगर जैसे मेरे फैमिली में भी अगर किसी की डेथ होती है तो वो मुझे बहुत ज्यादा नजर आते हैं, मैं महसूस कर सकती हूँ, लेकिन मैं इतनी ज्यादा डर जाती हूँ कि मैं उसे वो नहीं कर पाती, शायद मेरी बॉडी रेडी नहीं है उन चीजों को। देखिए अनामिका जी, आप अपने आप को एक फिजिकल फॉर्म में देखते हैं, ठीक है, लेकिन आप चलते फिरते क्यों हैं? क्योंकि आपके अंदर वो स्पिरिट है, ठीक है। अगर आप किसी स्पिरिट को देख रहे हैं, सबसे पहले तो हम उन स्पिरिट से इसलिए ग्रेट है बिकॉज हमारे पास एडिटिव एडवांटेज है, वी हैव द बॉडी आल्सो, राइट। तो वो स्पिरिट्स आप इसलिए देख पाते हैं क्योंकि आपकी ऑरा या तो थोड़ी सी वीक है, तो आपको सबसे पहले हम इसके अंदर करेंगे ही ये, आप अपने आप को खुद हील करेंगे अपने प्रोटेक्टिव लेयर, क्योंकि मीडियमशिप में मैंने पहले ही बताया प्रोटेक्शन बहुत जरूरी होती है। उसके अंदर हम अपनी ऑरा को एकदम स्ट्रांग बना लेते हैं। वी हैव द टेक्निक्स, तो यू विल लर्न ऑल दोस टेक्निक्स टू मेक योर ऑरा सुपर स्ट्रांग दैट नो एंटिटी कैन हर्ट यू। दूसरी बात, कई बार हमें जैसे ऐसा लगता है ना कोई हमारे पास है, आसपास है, इसलिए भी लगता है बिकॉज देयर इज सम फियर एंड देयर इज सम यू नो प्रॉब्लम इन अवर ऑरा, बिकॉज ऑफ विच कि किसी जो बाहर के एक्सटर्नल एनर्जी डायमेंशन होते हैं उनके बारे में हमें रजिस्टर होता है, उनके प्रेजेंस हमें रजिस्टर होती है। ठीक है, जब आपका ऑरा ठीक हो जाएगा, हील हो जाएगा, तो यू विल नॉट यू नो दैट डायमेंशन विल नॉट इंटरफेयर। क्योंकि जब हम स्पिरिट वर्ल्ड में जाते हैं, इट इज अवर विश वेदर टू एंटर इन टू द स्पिरिट वर्ल्ड और वेन टू कम आउट इन टू द स्पिरिट वर्ल्ड, इट इज आवर विश। तो इट इज ओनली वी, जब हम मास्टर मर्लिन से भी कनेक्ट करते हैं तो मास्टर मर्लिन हमेशा 24 घंटे हमसे कनेक्ट नहीं कर सकते अनलेस वी हैव ओपन आवर ऑरा एंड आस्क मास्टर मर्लिन टू इंटरेक्ट विद अस। तो ये सारी चीजें हम सीखेंगे कि हमें अपनी ऑरा कैसे ओपन करनी है, अपनी ऑरा को हमें किस लिए, तो तभी हम ज्यादा हाई लेवल पे वाइब्रेट करवाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, सो दैट जिस लेवल पे हमारी एनर्जी वाइब्रेट करती है हम सिर्फ उसी एनर्जी के साथ कॉन्टेक्ट कर पाते हैं। तो जो हम मेडिटेशन और अट्यूनमेंट करेंगे ना, उससे क्या होगा कि मास्टर मर्लिन की जो वाइब्रेशन है आप उसके साथ वाइब्रेट करेंगे, सो दैट ओनली ही कैन कम्युनिकेट विद यू, नो अदर स्पिरिट। मैं तो एक चीज शेयर करना चाहती हूँ कि आज से 6 months पहले मैंने माउस भी सपने में देखे थे और ड्रैगन्स भी मैंने सपने में देखे थे। बस आपको अभी 6 months बाद आना था यहाँ पर। एंड मैंने एक सपना ये देखा था, मेरे फादर हैं, तो मैंने पता नहीं एक जो अभी मैं फोटो देख रही थी मास्टर मर्लिन की जो आपने पैम्फलेट में लगाया हुआ है, सो मुझे सेम ऐसे ही दिखे थे, बट वो मुझे मेरे फादर के रूप में दिखे थे। वंडरफुल, देखिए आपका कनेक्शन, वो जंगल में कहीं पर है और ट्री के नीचे वो बैठ के ही इज डूइंग मेडिटेशन। देखो आपको मास्टर मर्लिन पहले दिखते हैं मैम अनामिका जी, चाहे आप इधर चाहे आप किधर, बट मास्टर मर्लिन तो आपके साथ है। ही वाज देयर विद यू देन आल्सो, he is there with you now also, right? And ma'am मेरे भी goosebumps हो रहे हैं फिर से। चलिए, wonderful, Master Merlin will help you, will protect you, don't worry. अगर वो हैं तो completely protect करें, ठीक है? And ma'am पहले मैंने ये भी like ऐसे ही बोला था, because angel numbers दिखते हैं कि मेरे angel कौन है मैं जानना चाहती हूँ, और secondly I want to strong my aura जो आपने बोला ये मैंने जरूर यूनिवर्स में डाला था, तो शायद ये क्लास इसीलिए बिल्कुल मिल गया। राइट जी जी, थैंक यू सो मच। ओके शिखा जी, मैम जैसे आप कह रहे थे कि कुछ ब्लॉकेजेस हैं जैसे क्लियर ऑडियंस वो सब, सो मतलब मैं पूछना चाह रही हूँ कि जैसे मैं हेडफोन्स लगा के जनरली मंत्र जाप वो सब सुनती हूँ, तो कैन दैट कॉज इंटरफेरेंस या साउंड वेव्स? मैम ब्लॉकेजेस तो आपके जैसे एनर्जी फॉर्म में है ना, इट्स लाइक इमोशनल कोई आपको डिस्टर्बेंस होगा तो उसके ब्लॉकेजेस। इमोशन मैम जैसे डेली चक्रा हीलिंग ये सब तो मैं करती रहती हूँ, मंत्र जाप ये एंड हमारे पास हमारे जो ब्लॉकेजेस होते हैं ना दे आर अनसेड, और ये जैसे आपको कुछ वूम में मिल जाते हैं, कुछ चाइल्डहुड ब्लॉकेजेस होते हैं, बहुत सारे होते हैं मैम, दे कैन बी एनी फॉर्म, तो उनको रिमूव कैसे? मैम देयर आर मेनी हीलिंग मोडालिटीज, और अब आप जैसे कोई भी कोर्स करते रहेंगे, देखिए ये तो मास्टर मर्लिन का कोर्स है, लेकिन ऑकल्ट साइंसेस में आप कोई भी चीज करते हैं ना दे एक्चुअली एक्टिवेट सम ऑफ योर ब्लॉक पार्ट्स। अच्छा, तो दिस कोर्स विल आल्सो हेल्प यू इन एक्टिवेटिंग सम ऑफ योर ब्लॉक पार्ट्स। मैंने हीलिंग बहुत की है, मैंने हुमकारा भी किया है, मैंने रेकी भी की है, 1-2 और भी किए हैं, बट सेम जर्नी तो स्टार्ट हुई है, जर्नी तो स्टार्ट हुई है, आप समझिए मे बी 2 साल से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई होगी, राइट? हाँ, लास्ट ईयर। हाँ, तो मैं वही कह रही हूँ ना, अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है, देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। जो आता रहेगा, देखिए जो आप जिस चीज के लिए डिसाइड होंगे ना वो आपकी लाइफ में आएगा। एंड हम लोग भी जैसे हम लोगों ने बहुत सारे मोडालिटीज कर रखी है, वी हैव डन सो मच। फिर उसके बाद क्या होता है, हम सारी को प्रोसेस करके अपनी खुद की इंडिविजुअल बनाते हैं। जैसे मैं आप कह रहे हो मीडियमशिप कराएंगे, अब थोड़ा बहुत मैंने देखा आई कैन फील समथिंग हैज कम, मतलब मेरा ऑरा तो स्ट्रांग है, पूरे हाथ में गूज बम्स ये वो, और कभी कभी एकदम फिगर भी दिखा है मुझे वॉल पे कि आईज बन रही है कुछ इतना, तो मुझे दिख जाता है, बट जो सुनने का पार्ट है मुझे लगा मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि 4-5 बाकी सेंसेस एक्टिव है, एक बंद है? बिल्कुल मैम ऐसे ही होता है। देखिए मेरी भी सारी सेंसेस नहीं खुली हुई, मेरी भी सर 2-3 खुली हुई है, लेकिन आप कि जो भी सेंसेस ओपन होते हैं ना उसके अंदर स्पेशलाइजेशन होती है आपकी, तो जस्ट एक्नॉलेज आपकी जो क्लियर नोइंग है दैट इज अ ब्यूटीफुल सेंस, सबकी नहीं होती, राइट? तो आप उसके ऊपर वर्क कीजिए। हाँ मेरे को भी ना सुनता है ना दिखता है, एक्चुअली मेरे को महसूस होता है। ये देखिए इनको भी सेम है, तो जस्ट यूज दैट पावर। आपके पास पावर है उसको मतलब आपको विजडम आती है, खुद ही विजडम आती है, विजडम से आप बोलते हो। Yes. आप नहीं बोल रहे होते, वो एक्चुअली वो बोल रहे होते। You are in trance. That is some spirit connected with you. जैसे आपकी कोई भी स्पिरिट आपके साथ काम करना चाहेगा ना, जैसे मास्टर मर्लिन हो गए, हायर वाइब्रेशनल स्पिरिट, नॉट लोअर स्पिरिट्स। कोई भी असेंडेड मास्टर्स, कोई भी गुरु, कोई भी संत, कोई भी सेज, एक्चुअली बहुत सारी ऐसी स्पिरिट्स होती हैं जो हमारे साथ काम करते हैं दुनिया की भलाई के लिए, राइट right? तो आपको पता चल जाएगा कि जब भी आप कोई ऐसा काम करते हैं कि जो आप जनरली नहीं करते, सम स्पिरिट इज आस्किंग यू टू डू दैट। मैं जैसे आपको एग्जांपल देती हूँ, मैंने आकाशा सीखा हुआ है। मुझे आकाशा में भी कभी विजुअलाइजेशन या सुनता नहीं था, मुझे महसूस होता था और मैं बोलती थी। मुझे जो महसूस होता था वो मैं बोलती थी। और जब मैं हर बार जाके आकाशा में आर्कएंजल मेटाट्रॉन से नहीं बात करती हूँ, मैं यहाँ से ही आर्कएंजल मेटाट्रॉन को मैसेज सेंड करती हूँ और मुझे जवाब कहीं ना कहीं से मिल जाता है, या yes. किसी का कॉल आ जाता है या कोई मैसेज फ्लोट हो जाता है exactly. तो मुझे पता चल जाता है, मुझे आंसर मिल गया। बिल्कुल ऐसे ही होता है। वंडरफुल, थैंक यू श्रुति जी। ठीक है शिखा जी, आपको मिल गया अपना। माय कजन इज हियर दिव्या, आई वुड लाइक यू टू टॉक दिव्या। हाय दिव्या, एंड शी इज इन, आई थिंक दिव्या यू आर इन श्री यंत्रा आल्सो। दिव्या बजाज, ओके या यू आर इन श्री यंत्रा आल्सो, ओके। हाय दिव्या, सो बताइए दिव्या। मैंने एक्चुअली मैम आपसे ये मास्टर मर्लिन का कोर्स किया है और अभी भी मैं उनसे कनेक्टेड फील करती हूँ खुद को। ओके, तो आपने किससे किया है कोर्स? आप इसे किया है मैंने, मास्टर मर्लिन का। मैं फर्स्ट टाइम करा रही हूँ। मैंने कहीं से किया है, मुझे लग रहा है मैंने आपसे किया है। अच्छा, ओके, दिस इज माय फर्स्ट टाइम मे बी। आपने तो देखिए, आप और मैं, अगर आप मुझसे ऐसे कनेक्ट हो रहे हो तो वी आर इनटू अ वन सोल ग्रुप। आप समझे, आई टॉक अबाउट सोल ग्रुप। मैं आपसे मिली नहीं, पर आपका एविडेंस फेस ना मुझे ऐसा लग रहा है फेमिलियर सा, जैसे मैंने आपको कहीं मिली हूँ, देखा है। देखिए वी आर ऑल इन वन सोल ग्रुप, क्योंकि ऐसे नहीं मिलते, करेक्ट? तो let us work together in a soul group. It will be miraculous experience. ठीक है, तो कंचन जी बताइए। हेलो मैम, ये माध्यम का जो आपने बताया ना, तो हाँ, उसका क्या है वो? क्या यानी माध्यम हमें हम बनते हैं या क्या होता है? देखिए माध्यम, मीडियमशिप का मतलब होता है कि आप किसी स्पिरिट से बात कर रहे हो, आप ही माध्यम बनते हैं। माध्यम का मतलब होता है कि स्पिरिट खुद तो अपने आप को मैनिफेस्ट दुनिया को नहीं दिखा सकती, लेकिन स्पिरिट आपके द्वारा अपनी बातें दुनिया को बता सकती है या फिर आपके द्वारा हेल्प कर सकती है। तो यू बिकम द चैनल। कोई तकलीफ तो नहीं होती ना? नहीं, आपको मालूम है, आप किसी की हेल्प करेंगे तो आपको ना बहुत सारे डिवाइन बून्स मिलते हैं, आपको आशीर्वाद मिलते हैं, ब्लेसिंग्स मिलती है। नहीं, डर तो नहीं लगता ना? डर, सारे डरों को, फियर को आप सब काट के आगे बढ़ जाएंगे। डर क्या होता है? डर इज Another name of not doing anything. आपको मालूम है, this is an excuse. Fear is an excuse. And उसका जो opposite होता है, that is love, unconditional love towards the world, towards the human. जी? कोई अगर हमें कनेक्ट करना चाहे तो ऐसा तो नहीं कि हमें डर लगेगा। बहुत, मैं आपको टेक्निकलिटी बता रही हूँ। मैं आपको शुरू से बोल रही हूँ कि हम लोग सबसे पहले उस वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करेंगे जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हायर वाइब्रेशनल आपको स्पिरिट्स मिलेंगे, ठीक है? okay. हम लोअर वाइब्रेशन पे जाएंगे ही। और इसके रूल्स में यही होता है कि इफ यू आर सैड एंड इफ यू डू नॉट वांट टू डू समथिंग, तो उस टाइम आपको अपने कोई भी एक्स वाई जेड, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो वास्तु, आपको कोई भी ऑकल्ट साइंसेस नहीं करनी चाहिए उस वक्त। अपना खुद का टाइम okay. लीजिए, अपने आप को हील कीजिए, अपने आप को शांत कीजिए, पीसफुल हो जाइए। सबसे पहले वाइब्रेट ऑन अ वेरी गुड लेवल, देन ओनली यू हैव टू डू एनी ऑफ दीज साइंसेस, ठीक है? okay. इससे हीलिंग भी हम कर सकते हैं। जी, ऑफ कोर्स, ये हीलिंग के लिए ही है। नहीं, वो एस्ट्रो स्पेस का कुछ तो भी मैंने पढ़ा नहीं इसमें, कोर्स में, इसलिए पूछा। जी, हीलिंग के लिए ही है। जी अंशु जी बताइए। आपकी परमिशन हो तो कंचन जी को एक जवाब देना चाहती हूँ, छोटा सा। प्लीज अंशु जी, प्लीज यू कैन। कंचन जी, आपने जैसे कहा कि डर लगता है, कुछ हो तो नहीं जाएगा। अगर आपने ध्यान से सुना हो तो शिल्पी जी ने कहा था कि जब तक आप नहीं चाहोगे मर्लिन भी आप तक नहीं पहुंच सकते। yes. ठीक है okay. तो जो डर होता है ना, वो यही होता है कि हमें लगता है हम सबको इनवाइट कर लेंगे, तो यहाँ पर जब हम प्रोटेक्शन शील्ड्स बनाते हैं, जब हीलिंग्स करते हैं, ये सब चीजें सीखते हैं, तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट सबसे पहले करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच अंशु जी। उसके बाद आप अंदर आप जिसको चाहोगे वही आएगा। चीज हमेशा याद रखिए, आपके घर में जब कोई बेल बजा रहा है, 8-10 लोग बजा रहे हैं, आपको नहीं चाहिए कोई अंदर आए तो नहीं आएगा। अब मत खोलो दरवाजा, आपके ऊपर है। इनफैक्ट यहाँ पे तो कोई बेल भी नहीं बजा सकता, इतना स्ट्रांग होता है। जब तक आप इसको नहीं चाहेंगे ना, वो कोई आपके ऑरा के आसपास आ ही नहीं सकता। देखिए हम ना मल्टी डायमेंशनल वर्ल्ड में रह रहे हैं, सब एक के अंदर एक ना परमिट हुए हुए, राइट, एक के अंदर सब एक मिले हुए। आपके आसपास बहुत सारी चीजें एग्जिस्ट करती है, लेकिन आप सिर्फ उस चीज से कनेक्ट होते हो जिस लेवल पे आप वाइब्रेट करते हो। आप हमेशा देखिएगा, आपको कंचन की डर कब लगेगा, जब आप उदास होंगे या फिर कुछ टेंशन में, परेशानी में होंगे, तभी फियर आएगा, क्योंकि फियर इज द लोअर एनर्जी, राइट। और जब आप बहुत अच्छे मूड में होते तो फियर कभी नहीं आएगा, बिकॉज आप जिस एनर्जी पे वाइब्रेट करते हैं आपको वही चीजें, आपको भगवान का नाम याद आएगा, आपको मन करेगा आप कहीं घूम कर आओ, नेचर में घूम कर आओ, बिकॉज नेचर हैज द हाईएस्ट यू नो वाइब्रेशनल एनर्जी, ठीक है। तो हम बहुत ज्यादा बिहाइंड इट, ठीक है। तो वी आर लिविंग इन अ लॉजिकल वर्ल्ड, वी आर डूइंग एवरीथिंग लॉजिकली, एंड आपको समझ आएगा कि क्या और लॉजिक आपकी लाइफ के इर्द गिर्द है जो हम लोग एक्नॉलेज ही नहीं करते। यू विल स्टार्ट एक्नॉलेजिंग इट एंड देन द मैजिक स्टार्ट्स बिगिन। और फिर मास्टर मर्लिन का यही लोगो है, लेट्स मैजिक स्टार्ट्स बिगिन, राइट। थैंक यू सो मच। तो वेबिनार अभी यहीं पे एंड होता है, तो आप लोगों के क्वेश्चंस और कुछ हो तो पूछिए, अदरवाइज लेट अस मीट इन अ क्लास देन। और आई बिलीव आप सब लोग एनरोल कर ही रहे हैं। मैं एक और ऐड करना चाहूंगी कि मैं पर्सनली भी इस कोर्स को कर रही हूँ शिल्पी जी आपके साथ। सेकेंडली सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग प्लीज ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके बहुत सारी ऐसी चीजें जो अभी भी दबी हुई हैं, अभी भी आपके जो क्वेश्चंस होंगे कि क्या ऐसा होता है या क्या ऐसा हम कर सकते हैं, वो यहाँ पर आपके सब आंसर मिलने वाले हैं। सो सीरियसली मतलब आई प्रिफर कि जो भी है, जिनको मैं जानती हूँ और जिनको नहीं भी जानती हूँ, यहाँ पर मैं सबको बोलूंगी कि ये कोर्स जरूर कीजिए। Thank you so much, Anshu ji, and I also invite Anshu ji to please introduce her upcoming course, जो है लामा फेरा विद वास्तु, एडवांस एनर्जी वास्तु। अभी एडवांस हो रहा है, जो भी लामा फेरा कर चुके हैं यहाँ बहुत सारे कर चुके हैं ऑलरेडी, बट आप लोगों के लिए एक चीज और लेकर आ रहे हैं। कुछ पर्सनली कुछ ऐसा सोचा, कुछ ऐसा होना चाहिए ना जो एनर्जी के थ्रू ही काम हो जाए इजीली बैठे बैठे, है ना। तो यहाँ पर एक और कोर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसको आप एडवांस लामा फेरा वास्तु हीलिंग्स, एनर्जी हीलिंग्स। सिर्फ एनर्जी हीलिंग से आप अपने वास्तु, जो घर का वास्तु है, आप उसके ऊपर काम कर सकते हो कहीं भी बैठे। वंडरफुल अंशु जी, अब तो ये तो करना ही पड़ेगा। मैम मैंने किया है ना आपसे, तो मैंने अपना एक ऑफिस का किया था वास्तु हीलिंग लामा फेरा से। अभी उसका और एडवांस है और डीप है, तो वो जरूर कीजिए, उसमें और मजा आएगा करने। कैसा रहा रिजल्ट? अच्छा रहा। मतलब मुझे ऐसा था, मुझे काफी टाइम लगा था, क्योंकि मैंने ऑफिस को पूरा एक वॉल पे जो सिंबल्स आपसे सीखे थे मैंने, वो सब मैंने ड्रॉ किए थे, मुझे बहुत टाइम लगा था, लेकिन बाद में मैं ऐसे ड्रेन हो गई थी। लेकिन लग रहा था कि नेगेटिविटी निकल गई है पूरी। अभी इन सब चीजों के शॉर्टकट्स बताएंगे, ठीक है, तो इतना देर होने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक यू अंशु जी, आप आए, एंड थैंक यू सो मच आप। अच्छा ये बता दो, 16 को वेबिनार है इसका, जैसे अभी शिल्पी जी कर रही हैं यहाँ पर मास्टर मर्लिन का, ऐसे ही एक वेबिनार 16 को भी है 5:30, तो आप लोग सब आइए वहां पर, और फिर देखते हैं कैसे कैसे आपको सब चीजें डिटेल में बताई जाएंगी, क्या होगा कोर्स में, ठीक है। सो आई विल बी वेटिंग फॉर यू ऑल देयर ऑल्सो। और शिल्पी जी, थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच अंशु जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू। लेट्स मीट इन द अपकमिंग क्लास। थैंक यू, ओके, बाय बाय, थैंक यू, आत्मा नमस्ते।